भाई, जब आप नई एक ऐप बनाएंगे तो वो शुरू कैसे करेंगे आप? वो हेलो वर्ल्ड बनेगा कैसे? अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो है, इसमें सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि भाई, इस डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है ना, वर्ड टू वर्ड उसी को ही फॉलो करना है आपने, ठीक है? अदरवाइज़ ये मसला है इसके अंदर बहुत बड़ा। अच्छा, दिस पेज विल हेल्प यू इंस्टॉल एंड बिल्ड योर फर्स्ट रिएक्ट नेटिव ऐप। इफ़ यू आर न्यू टू मोबाइल डेवलपमेंट, द ईजी वे टू गेट स्टार्टेड विद एक्सपो गो। लेकिन हम एक्सपो गो के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्सपो गो आसान तो है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें बहुत सारी जगहों पे बॉटलनेक आता है, बहुत सारी जगहों पे ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, हमें रिएक्ट नेटिव की तरफ आना पड़ता है। अच्छा जी, एक्सपो गो इज़ अ सेट ऑफ टूल, और वो क्या करता है, वो कैसे करता है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? इफ़ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद मोबाइल डेवलपमेंट, यू मे वॉन्ट टू गो विद रिएक्ट नेटिव CLI, ठीक है? कह रहा है कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा ना आपको, तो फिर आप रिएक्ट नेटिव CLI के साथ जाना पसंद करेंगे। इट रिक्वायर्स एक्स कोड एंड एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है? एक्सपो में ये चीज़ें चाहिए नहीं होती। एक्सपो में क्या होता है कि जब आप कोड लिखते हैं और कोड लिख के आप कहते हैं कि इसको बिल्ड करो, तो वो कोड पूरा क्लाउड पे उठा के लेके जाता है, वहाँ पे बिल्ड करके आपको APK या IPA फाइल ला के दे देता है, ठीक है? अच्छा, iOS के अंदर क्योंकि पब्लिश करने का प्रोसेस एक्स कोड के अंदर होता है, तो वो क्या करता है, यहाँ से आप क्लिक करते हैं, वो कोड ले जाता है उधर क्लाउड में, और वो कहता है क्लाउड में आके ना वो सारी इन्फॉर्मेशन भरो आप, और हम पब्लिश करेंगे आपकी ऐप, ठीक है? तो वो क्लाउड में ही सारा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, कुछ जगहों पे ये काफ़ी बेनिफिशियंट रहता है, लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारी जगहों पे इसमें रुकावटें आती हैं, बहुत सारी जगहों पे हम फंस जाते हैं, और जैसा कि हमने नेटिव डायरेक्टरी में देखा, बहुत सारी चीज़ों में एक्सपो गो सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए हम उसके साथ नहीं जा रहे। एक्स कोड और एंड्रॉयड स्टूडियो दोनों हमें चाहिए होता है, अगर दोनों की हमें प्रॉपर बिल्ड निकालनी है तो। टू गेट स्टार्टेड, इफ़ यू आर ऑलरेडी हैव वन ऑफ दीज टूल्स इंस्टॉल्ड, यू शुड बी एबल टू गेट अप एंड रनिंग। कह रहा कोई एक भी इंस्टॉल है तो आप उस प्लेटफॉर्म पे आप चल पाएंगे। इफ़ यू आर नॉट इंस्टॉल्ड, यू शुड एक्सपेक्ट स्पेंड अबाउट एन आवर ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कन्फिगरिंग दम। कह रहा है कि अगर एंड्रॉयड स्टूडियो या एक्सकोड दोनों नहीं है आपके पास, तो बेहतर ये है कि आप 1 घंटा लगा के दोनों को पहले इंस्टॉल कर लें, ठीक है? क्योंकि दोनों का अपना सेटअप है। लेकिन यहाँ पे ना, इस चीज़ से मैं डिसएग्री करूँगा कि ये दोनों का अपना सेटअप यूज़ नहीं करता, ये रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव का अलग से इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि अभी वो आगे चीज़ें आ जाएंगी कि एंड्रॉयड स्टूडियो जब इंस्टॉल होता है तो वो JDK 19 वर्जन जो है ना, JDK 19 वो करता है इंस्टॉल, लेकिन इसको चाहिए JDK 11, ठीक है? तो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद आपको JDK अनइंस्टॉल करना पड़ता है, जो बिल्ट इन वाला है उसका, और उसकी जगह JDK 11 लगाना पड़ता है आपको, ठीक है? तब जाके उसके समझ आता है, अदरवाइज उसके समझ में नहीं आता है। अच्छा, तो शुरू में इसने ये दो बता दिया कि भाई एक्सपो गो क्विक स्टार्ट या रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट। मैंने कहा रिएक्ट नेटिव CLI। फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन इफ यू नीड टू बिल्ड अ नेटिव कोड इन योर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इंटीग्रेटिंग रिएक्ट नेटिव इन टू एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन और यू रैन अ प्री बिल्ड फ्रॉम एक्सपो जेनेरिक योर नेटिव कोड दिस दिस। अच्छा, जब आप एक्सपो से कोई भी ऐप बनाते हैं तो उसमें इजेक्ट का ऑप्शन होता है आपके पास, इजेक्ट करते हैं तो वो नेटिव वाला बन जाता है। तो ये इस वजह से कह रहा है कि कोई रिएक्ट का कोड था पहले से, उसको आप लाना चाह रहे हो, या एक्सपो का बना हुआ था उसको आप लाना चाह रहे हो इस पर, तो आ जाता है वो। अच्छा, हम बनाएंगे इस पे लेकिन डायरेक्ट। अच्छा, फिर ये पूछ रहा है कि यार कौन से आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, तो पहले मैं मैक ओएस पे चला के बताता हूँ पूरा नीचे तक, फिर इसी को हम विंडोज़ पे भी ज़रा गो थ्रू कर लेंगे कि क्या है, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल मैक मौजूद है तो वो कमांड्स वगैरह जो है मेरे पास चला के दिखा सकता हूँ मैं आपको। अच्छा, टारगेट ओएस कौन सा है? iOS, ठीक है? फिलहाल हम पहले iOS करते हैं। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, यू विल नीड Node.js, वॉचमैन एंड रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस, अ रूबी वर्जन मैनेजर, एक्स कोड एंड कोकोआ पॉड। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे iOS के लिए चाहिए होंगी, इन्होंने यहाँ पे नाम बता दिया। अगर मैं एंड्रॉयड करता हूँ तो उसमें भी क्या है, नॉड, वॉचमैन और रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस, ये तीन चीज़ें सेम है, लेकिन आगे JDK और एंड्रॉयड स्टूडियो आ जाता है, रूबी और एक्स कोड की जगह JDK और एंड्रॉयड आ जाता है, ठीक है? अच्छा, ये कोकोआ पॉड जो है ये एक्स कोड का पैकेज मैनेजर है, ठीक है? तो ये एक्स कोड जहाँ पे है तो वहाँ कोकोआ पॉड होगा, लाजमी होगा। अच्छा, वेल, तो iOS को ज़रा हम नीचे तक पहले कवर करते हैं और उसके बाद फिर एंड्रॉयड और फिर विंडोज़ वाले पे भी हम देख लेते हैं। अच्छा, नॉड कैसे इंस्टॉल होगा? ऐसे ब्रू इंस्टॉल नॉड करके आप नॉड को इंस्टॉल करेंगे,
ठीक है, अच्छा ज़रूरी नहीं है लेकिन है कि आप ब्रू करके उसको इंस्टॉल करें। नॉट जेएस को इंस्टॉल करने का जो प्रॉपर तरीका है मैक के अंदर, आप उस तरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो ये है कि आप नॉट जेएस की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड करते हैं और आप इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन इसको इंस्टॉल करते हुए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमें LTS वर्जन इंस्टॉल करना है इसका, ठीक है। अगर आपने ये बहुत पुराना वर्जन किया हुआ है या बिल्कुल जो करंट वाला है, क्योंकि नॉट जेएस के अंदर दो वर्जन आ रहे होते हैं, सही है, ये बात दोनों में ट्रू है, एंड्रॉयड में और उसमें भी, तो हमें LTS वर्जन इंस्टॉल करना होता है, करंट वर्जन आमतौर पे नहीं करना होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कोई ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि नॉट जेएस 18 जो है वो अभी अभी आई है रिसेंटली, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि यार 18 चाहिए इसको या 16 चाहिए, या तो हम एज्यूम करेंगे कि इसको LTS चाहिए बाई डिफॉल्ट। अच्छा, वॉचमैन करके भी एक टूल है जो कि फेसबुक ने बनाया है, तो इस फेसबुक के अंदर हम चले जाते हैं, इसका भी इन्होंने बोला है ब्रू इंस्टॉल करके कर लो, ठीक है, तो ब्रू से इंस्टॉल कर लें हम, या डायरेक्ट यहाँ से गेट स्टार्ट करके उसको हम डाउनलोड कर लें। वेल, यहाँ से इंस्टॉल करना जो है ना थोड़ा सा इसको मुश्किल है, तो ब्रू से ये इजिली इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा, इन्होंने भी ब्रू से बताया हुआ है, सही है, हाँ इन्होंने भी ब्रू से बताया हुआ है, मैक ओएस में ही कह रहे हैं ब्रू से भी कर सकते हो आप। और अच्छा वेल, तो ये दो कमांड्स हैं। अच्छा, वॉचमैन जो है वो क्या है, एक CLI टूल है जो काइंड ऑफ बैकग्राउंड में चल रहा होता है, हमें करना नहीं पड़ता कुछ, बैकग्राउंड में ये चल रहा होता है। और मैं टर्मिनल खोलूँगा सिंपल सा एक, और टर्मिनल खोल के ये वॉचमैन ऐसे इंस्टॉल पे लगा दूंगा। अच्छा, ये मुझे बोलेगा कि वॉचमैन पहले से इंस्टॉल है, ठीक है ना, ये मुझे बोलेगा कि वॉचमैन पहले से इंस्टॉल है। अच्छा, ब्रू जो है वो जब भी मैं चलाता हूँ तो ब्रू एक ऑटो अपडेट पहले रन करता है, ठीक है, उसके बाद मुझे इसने बोला कि भाई आपके पास ना पहले से इंस्टॉल है, अगर री इंस्टॉल करना है तो ये कमांड चला लो आप, ठीक है। अच्छा, ब्रू क्या चीज़ है, मैक के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ब्रू से इंस्टॉल हो जाते हैं, एक पैकेज मैनेजर है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। विंडोज़ में चॉकलेटी के नाम का एक पैकेज मैनेजर है, लेकिन विंडोज़ में आमतौर पर पैकेज मैनेजर से चीज़ें इंस्टॉल करने का रिवाज नहीं है, विंडोज़ में डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये वॉचमैन यहाँ पे विंडोज़ का जो इसने बताया हुआ है तरीका, वो ये देखें, इन्होंने ना ये कहा है कि भाई डाउनलोड द लेटेस्ट रिलीज, ऐसे करके डाउनलोड हो गई, ठीक है। तो ये वॉचमैन दोनों में चाहिए हमें, iOS में भी चाहिए और उसमें भी चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि मैं iOS सेलेक्ट किया हुआ था मैंने, तो मुझे अब रूबी इंस्टॉल करना है अगला। अच्छा, रूबी इंस्टॉल करने में इसको एग्जैक्टली कौन सा वाला चाहिए, जो यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ होगा अभी, शिप्ड 2.6.8 विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे इसने वर्जन नहीं मेंशन किया हुआ, नहीं ये तो कह रहा है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नॉट वट बी रिक्वायर्ड, आवर सजेशन इज टू रिक्वायर द वर्जन मैनेजर टू इंस्टॉल द प्रॉपर वर्जन इन योर सिस्टम। अच्छा, इन्होंने कहा है कि यार मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है वो 2.6.8 के साथ आता है, यानी जो इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है जो भी है इसका, मैक का क्या वर्जन है इस वक्त, मेरे लिखा हुआ ही नहीं है, हाँ ये लिखा हुआ है मैक ओएस वेंट्यूरा 13.2 लिखा हुआ है, सही है। तो ये 13.2 में भी यही वाला वर्जन इंस्टॉल हुआ हुआ है पहले से, 2.6.8, कह रहा है भाई ये नहीं चाहिए हमें चाहिए इसका नया वाला वर्जन। कैसे होगा नया वाला वर्जन इंस्टॉल, RBENV और ये चार इसके ना पैकेज मैनेजर हैं जिनके ज़रिए रूबी को मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। अच्छा, ये नॉट एग्जैक्टली पैकेज मैनेजर है, ये वर्जन मैनेजर है, जैसे नॉट जेएस में हम NVM करके एक वर्जन मैनेजर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। NVM से क्या होता है कि जैसे यहाँ पे नॉट था ना कि ब्रू इंस्टॉल नॉट, अब ब्रू इंस्टॉल नॉट तो क्या करेगा, लेटेस्ट वाला इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे कोई दूसरा वर्जन चाहिए, तो मेरे पास NVM इंस्टॉल है, राइट, NVM ये मेरे पास इंस्टॉल है, सही है, तो मैं कहूँगा NVM माइनस माइनस, अच्छा ये तो NVM का इसने वर्जन बता दिया, ठीक है, नॉट माइनस माइनस वर्जन, कि मेरे पास नॉट का वर्जन कौन सा मौजूद है, सही है, नॉट मेरे पास इस वक्त 18.12.1 मौजूद है, ये मेरे पास करंट वर्जन है, लेकिन मुझे अगर नॉट का कोई दूसरा वर्जन चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ और अब 18.14 आ चुका है नया, तो मुझे अगर 18.14 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं 18.14 को वहाँ से डाउनलोड करूँगा, फिर इसको अनइंस्टॉल करूँगा, फिर इसको इंस्टॉल करूँगा, नो, ठीक है, मैं कहूँगा NVM इंस्टॉल और 18.14.0,
सही है, ये इंस्टॉल हो गया, ये डाउनलोड भी खुद करेगा, इंस्टॉल भी खुद करेगा। पुराना वाला उड़ाएगा नहीं, पुराना वाला भी रखा रहेगा। जब वो एक्टिवेट, जब मैं पुराने वाले का इंस्टॉल दबाऊंगा ना, तो वो डाउनलोड नहीं होगा, वो पहले से पड़ा है साइड में। अभी वो दिखाता हूँ मैं वो किधर पड़ा होता है। सही है, डाउनलोड हो गया ये, देखो फ़ौरन डाउनलोड हो गया और ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं नॉर्ड का वर्जन जैसे ही चेक करूँगा तो देखो 18.14 हो गया, यहाँ पे 18.12 था। अच्छा, अब मैं करूँगा NVM माइनस LS। सही है, NVM LS। अब NVM LS में इसने मुझे बोला कि आपके पास जो वर्जन अभी इंस्टॉल है ना इस मशीन के अंदर, ये 5 वर्जन इंस्टॉल है। सही है, 16.4 मैंने किया हुआ है, 16.9 किया हुआ है, 18.12 किया हुआ है, 18.13 और 18.14 अभी किया है, डाउनलोड हुआ है। ठीक है, ग्रीन एरो लगा हुआ है कि अभी ये एक्टिवेटेड है। सही है, अच्छा सिस्टम के अंदर भी एक मौजूद है शायद 16.00 मे बी। अच्छा, उसके बाद ये मुझे कुछ बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई LTS वर्जन, ज़ाहिर है LTS वर्जन के नाम होते हैं इसमें, तो जो कार्बन था ना LTS वर्जन वो 18.17 था। सही है, ये LTS वर्जन था, तो कार्बन मेरे पास नॉट अवेलेबल है, 18.17 नॉट अवेलेबल है। मेरे पास गैलीलियम है, ठीक है, जो कि 16.19 है, और हाइड्रोजन है जो कि 18.14 है। अच्छा, अभी कल को अगर 18.14 के बाद 18.15 आ जाएगा इसी LTS में रहते हुए, तो यहाँ पे ये Na लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, LTS पहले तो 18.12 था ना, फिर 13 आ गया, फिर 14 आ गया, तो यहाँ पे Na लिखा हुआ आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पे अब मुझे अगर 14 का चाहिए, जैसे Firebase फंक्शन करके एक चीज़ है, या कुछ क्लाउड है, कुछ क्लाउड फंक्शंस हैं, वो बोलते हैं कि यार JavaScript का जो कोड हमें देना है ना आपने, वो 14 पे हम चलाएंगे। आपकी मशीन में जो मर्ज़ी इंस्टॉल है, हमारे पास 14 है। आप जब अपना कोड मुझे भेजोगे, जैसे साइक्लिक है इस तरह क्लाउड प्रोवाइडर, साइक्लिक तो खैर लेटेस्ट वाला अलाउ कर देता है, तो क्लाउड फंक्शन कुछ कहते हैं भाई हमें 14 चाहिए या हमें 16 चाहिए, तो मैं यहाँ से देखूँगा कि LTS कौन सा है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ से देखूँ, असूलन तो मुझे यहाँ पे आके देखना चाहिए, ये जो ना अदर डाउनलोड ऑप्शंस, और इसके बाद ये आएगा वर्जन हिस्ट्री, ठीक है, प्रीवियस रिलीजेस। तो प्रीवियस रिलीजेस में यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इस वक्त 18.4 है, कब रिलीज़ हुआ है, ये डेट है, कल रिलीज़ हुआ है ये, ठीक है, 1 तारीख दूसरा महीना, ठीक है, आज 3 तारीख है, तो परसों रिलीज़ हुआ है, कल छोड़ के परसों, तो परसों जो रिलीज़ हुआ था वो हाइड्रोजन उसका नाम है। तो असूलन तो मुझे यहाँ से आके देखना चाहिए, बट यहाँ बार बार आना मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, यहीं से NVM लिखूँगा और इंस्टॉल करूँगा। और पहले मेरे पास क्या था, 16.9, तो मैं 16.9 पे इसको सेट कर सकता हूँ, 16.19.0, एंटर। अब देखो उसको डाउनलोड नहीं करेगा ये, फोरी खुद ही सेट कर देगा, डाउनलोड नहीं किया इसने। और मैं वापस आना चाहूँ लेटेस्ट वाले पे, तो ये मैंने दोबारा लेटेस्ट वाले पे किया, तो दिस इज़ कॉल्ड वर्जन मैनेजर। वर्जन मैनेजर इज़ कन्वीनियंस, टाइम सेविंग कन्वीनियंस है आपके लिए। अच्छा, तो जिस तरह Node.js में ये वर्जन मैनेजर है, इसी तरीके से रूबी जब इंस्टॉल करते हैं आप, तो एक तो तरीका आपके पास क्या है कि आप जाएंगे सीधा रूबी की वेबसाइट पर, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, लेटेस्ट वर्जन होगा। लेकिन किसी ऐप को अगर थोड़ा पीछे का या थोड़ा आगे का वर्जन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा डाउनलोड करेंगे, पहले वाले को अनइंस्टॉल करेंगे, नया वाला इंस्टॉल, बहुत मसला है। तो उसके लिए भी वर्जन मैनेजर मौजूद है। तो इसका जो वर्जन मैनेजर है वो RBENV करके एक है, तो RBENV अब कैसे इंस्टॉल करूँगा मैं RBENV को, तो मैं नए टैब में इसको खोलता हूँ, इस RBENV को, ठीक है, ये RBENV की डॉक्यूमेंटेशन आ गई। अब ये RBENV इंस्टॉल कैसे होगा, ये इंस्टॉल होगा ब्रू से। अच्छा, ये रूबी का चक्कर सिर्फ मैक में होगा, सही है, अल्टीमेटली किसी ना किसी टाइम आपको iOS पे बनाना पड़ेगा, तो मैक पे आपको ऐसे RBENV आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, लेकिन मैं एक दफ़ा और ये कमांड चला देता हूँ, ठीक है, तो मेरी मशीन में RBENV इस तरह करने से इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, वंस मेरे पास RBENV इंस्टॉल हो गया, ठीक है, होम ब्रू से, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकता हूँ इससे रूबी का, ठीक है, ये तरीका आ गया वर्जन इंस्टॉल करने का, ठीक है, तो मैं कहूँगा RBENV इंस्टॉल माइनस L, तो इससे क्या होगा, वही वाली लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से वर्जन अवेलेबल है, LTS की लिस्ट आ जाएगी ऐसे लिखने से। अच्छा, LTS की जो लिस्ट आ जाएगी, तो उसमें से मैं चूज़ कर लूँगा कि अच्छा मुझे 3.1.2 चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूँगा RBENV इंस्टॉल दिस, तो वो रूबी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं अगर आकर चेक करूँ, मैं लिखूँगा रूबी माइनस माइनस
वर्जन, क्योंकि मेरे पास रूबी पहले से इंस्टॉल है, तो 2.7.6 वो वर्जन है जो इसको चाहिए होता है रिएक्ट नेटिव को, और वही मैंने इस वक्त इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, बाद में कभी आप अगर चला रहे होंगे तो हो सकता है ये एरर आपको कब देगा, जब आप नई ऐप क्रिएट करेंगे। नई ऐप क्रिएट करते हुए आपको एरर देगा कि यार ये वर्जन एक्सेप्टेबल नहीं है, फला वर्जन चाहिए मुझे। तो अभी राइट नाउ आज की डेट में इसको 2.7.6 चाहिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है जब आप बाद में कर रहे हो तो ये वर्जन चेंज हो चुका हो, तो जो ये बोलेंगे ना एग्जैक्टली वही वर्जन करना है, ना एक आगे ना एक पीछे। क्योंकि मैंने एक तो पहले तो 2.7 करके ट्राई किया कि यार 2.7.x, इसने बोला नहीं 2.7.6। फिर मैंने कहा यार LTS जो है ना, यानी 2.7 के फौरन बाद जो LTS आया है, क्योंकि Node.js में तो ऐसे ही होता है कि भाई 16 का मतलब है 16 का LTS, 16.0 नहीं। तो मैंने वो करके देखा, इसने बोला नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मैं करूँगा ना RBENV और -L करूँगा इसमें, मैं -L ही था ना, अच्छा इंस्टॉल -L, सही है। तो ये इसने देखो मुझे बता दिया, ये जे रूबी है, एम रूबी है, पीको रूबी है, सही है। ये सारे इसके ना वर्जन हैं, LTS वर्जन हैं, ठीक है। एक दूसरा भी इसने कमांड बताया कैपिटल L के साथ, स्टेबल वर्जन है, और ये लोकल वर्जन बताएगा मुझे, माइनस L से मुझे लोकल बताएगा कि लोकल कौन कौन से मैं डाउनलोड करके मैंने साइट पे किया हुआ, दोनों बताएगा, सही है। माइनस ये मैंने लोकली देख रहा हूँ कितने सारे वर्जन ट्राई किए मैं, पता नहीं ये सभी कर दिया इसने शायद, नहीं नहीं इतने सारे मैंने तो नहीं ट्राई किए, ये जितने आए हैं उतने। देखो ये जे रूबी करके एक LTS का नाम है, ये जे रूबी, ठीक है, एम रूबी, RBX। वेल, तो हमने ये रूबी का मसला समझ लिया कि भाई इसका क्या मसला है, हमें कौन सा चाहिए, रूबी -- वर्जन 2.7.6। अच्छा, इसको मैं करूँगा कैसे इंस्टॉल, इसको मैं रखूँगा RBENV इंस्टॉल 2.7.6, दैट्स इट। ये कह रहा भाई ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ओके हो गया, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पे चीज़ और भी आएगी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना तो ये अवेलेबल नहीं होगा, ये अवेलेबल नहीं होगा आपके पास, जब आप लिखेंगे ना रूबी -V तो वो पुराना ही बता रहा होगा, सही है, वो पुराना बता रहा होगा। जब आप इसको -V करके चेक करेंगे तो ये आपने 2.7.6 किया, लेकिन वो सिस्टम वाला ही वर्जन बता रहा होगा। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है कि इसको ऊपर लेकर आए। वो कैसे ऊपर लेकर आए, इन्वायरमेंट वेरिएबल का सब लोगों को आइडिया है, विंडोज़ में हम कई दफ़ा कर चुके हैं सेट। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में अगर एक ही नाम की दो ऐप है, जैसे Node.js है, अगर Node.js उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होता है ना, Node.js exe जहाँ पड़ी हुई है, तो अगर दो इन्वायरमेंट वेरिएबल है तो जो टॉप पे होता है उसको पकड़ता है वो, है ना। तो जो सिस्टम वाला है ना वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में पहले से सेट है, सिस्टम वाला जो रूबी है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट है, तो बाई डिफ़ॉल्ट सिस्टम वाला ही मिलेगा, ठीक है। इसको अवेलेबल कराने के लिए मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल में मेरे वाले को पहले रखना पड़ेगा, मेरे वाले वर्जन को पहले रखना पड़ेगा, सिस्टम वाले वर्जन को बाद में करना पड़ेगा, जब जाके मेरा वाला अवेलेबल होगा ओवरऑल, अदरवाइज वो नहीं होगा। अच्छा, इसके लिए हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना पड़ेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल इसके अंदर जो है वो होम पे होता है, ठीक है। होम के अंदर एक फाइल होती है जो कि मुझे हिडन फाइल नज़र नहीं आ रही है, तो मैं कमांड शिफ्ट प्लस डॉट दबाऊंगा जिससे मुझे हिडन फाइल शो हो जाएगी सारी। यहाँ पे ZSHRC करके एक है, मैं जो टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड ZSH। उसके अलावा बैश भी है, तो यहाँ पे बैश का भी एक आ रहा होगा, BashRC है ना, BashRC, ठीक है। लेकिन बैश अब यूज़ नहीं होता, अब ZSH इस्तेमाल होता है। तो जो भी टर्मिनल होगा उसका नाम और साथ में RC ये लिखा हुआ होगा। अच्छा, तीन होंगे बाय द वे, RC प्रोफाइल और नहीं हिस्ट्री नहीं, दो ही है मेरे ख्याल में। इन दोनों का मैं फ़र्क बता देता हूँ, इन दोनों का फ़र्क क्या है। RC जो है इसके अंदर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल मैं सेट करूँगा वो जब जब मैं टर्मिनल को बंद करके खोलूँगा तो वो इन्वायरमेंट वेरिएबल अपडेट हो चुका होगा, सही है। मिसाल के तौर पे अभी कोई चीज़ इन्वायरमेंट वेरिएबल में मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ जाके जब चेंज करूँगा तो ज़ाहिर है जो चला हुआ टर्मिनल है उस पर तो मुझे वो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बंद करके खोलूँगा उसको या कोई नया टर्मिनल खोलूँगा तो उस पर ये वाला मुझे मिल जाएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, सही है। अच्छा, लेकिन जब मैं प्रोफाइल में करूँगा ZSH प्रोफाइल के ऊपर, इसमें जो भी चीज़ ऐड करूँगा मैं उस वो कभी भी अवेलेबल नहीं होगी जब तक मैं लॉग आउट ना कर दूँ,
अपना जो यूज़र है मेरा विंडोज़ का, जो विंडोज़ का नहीं मैक का जो यूज़र है उसको मैं लॉग आउट, यानी रीस्टार्ट का जो नया तरीका है कि लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना दोबारा। तो ये प्रोफाइल का मतलब होता है कि लॉग इन करने पर ही अपडेट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इन दोनों को अलग अलग रखने का मकसद क्या है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में दो स्प्लिट क्यों किया इन्होंने? इसका रीज़न ये है कि जब ये RC में आप कोई भी चीज़ रखते हैं, मिसाल के तौर पर 6, 7, 8, 10 वेरिएबल आपने इसमें रखवा दिए, तो जब जब आप कोई टर्मिनल ओपन करेंगे ना ZSH का, ये RC जब जब चलेगा, और जितनी दफ़ा ओपन करेंगे उतनी दफ़ा चलेगा। ऐसा नहीं कि सिस्टम में शुरू में एक दफ़ा, जब जब क्लिक करेंगे ये चलेगा। तो इसमें अगर आपने ज़्यादा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिए तो ZSH का टर्मिनल जब खोलेंगे ना तो खुलने में टाइम लगेगा, लोडिंग लेगा वो, समझ गए? तो ये परफॉर्मेंस डाउन करेगा आपकी अल्टीमेटली। तो ऐसे इन्वायरमेंट वेरिएबल जो परमानेंटली आपने रखने हैं वो आपने कहाँ करने हैं, ZSH प्रोफाइल में करने हैं, ठीक है? ZSH प्रोफाइल में करने से क्या होगा कि वंस जैसे ही आप लॉग इन होंगे ये इस फाइल को एक दफ़ा चला देगा, और आप जितने भी टर्मिनल खोलेंगे उसके लिए कॉमन होगा, ये दोबारा नहीं चलेगा, लॉग इन करते हुए एक दफ़ा चलेगा जस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस ये। इसके अलावा एक तीसरी भी फाइल होती है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही कि वो क्या होता है, वो है नहीं यहाँ पे वैसे। एक बैश प्रोफाइल होती है, एक बैश RC होती है। एक मिनट में गूगल पे मारता हूँ ना। ZSH प्रोफाइल वर्सेस ZSH RC। एक किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ था यहाँ पे, अगर वो मुझे मिल जाए ना। हाँ, ये इसने लिखा हुआ है ना कि भाई ZSH प्रोफाइल, ZSH ENV, ZSH RC और Z लॉगिन और Z लॉग आउट, ये 5 फाइलें होती हैं जो अलग अलग मौके पे चलती है, ठीक है? तो ये इसने ना सबका बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है? ZSH प्रोफाइल, ZSH RC, ये दोनों जो हमने देख लिए ऑलरेडी। अच्छा, ये सिर्फ Z प्रोफाइल भी हो सकता है इसका नाम, ZSH प्रोफाइल होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ Z प्रोफाइल भी चलेगा, ठीक है? इसका नाम Z लॉगिन भी हो सकता है, Z प्रोफाइल। अच्छा, ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये मैक पे और लिनक्स पे ये चीज़ सेम है, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा है ये तो मेरे काम का ही नहीं है, ये लिनक्स में इसी तरह होता है। लिनक्स में इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना बिल्कुल सेम यही तरीका होता है जो यहाँ पर है। तो मैंने फ़िलहाल के लिए ZSH RC पे सेट करना है, जो भी कुछ सेट करना है। उसका रीज़न ये है कि अभी मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने या लॉग आउट करने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, आके खोलूँगा अपना ये ZSH RC, ठीक है? और ZSH RC को जब मैं ओपन करूँगा तो ये टेक्स्ट एडिट के साथ ना ये इस तरह करके ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप गौर करें कि क्या हुआ है। एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू दिस। अच्छा, ये तरीका होता है लिनक्स में और मैक में इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करने का, कि आप एक्सपोर्ट का लिखते हैं नाम, और जो जैसे विंडोज़ में पाथ में जाके हम सेट करते हैं, पाथ में 10-12 URL आ रहे होते हैं, तो मैंने कहा पाथ और उसके बाद ये URL सेट किया। अच्छा, ये URL मैंने कौन सा वाला सेट किया है? ये URL मैंने वो सेट किया है जहाँ पे RBENV वर्जन ला के स्टोर करता है, ठीक है? RBENV के डॉक्यूमेंट्स में जाके मैंने देखा कि RBENV से जब मैं कोई चीज़ इंस्टॉल करता हूँ तो वो कहाँ स्टोर होती है जाके, वो यहाँ होती है। और इसके बिन तक का मैंने URL दिया, इस बिन के अंदर ना ruby.sh की फाइल मौजूद है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है मैक में। विंडोज़ में .exe की फाइल एग्जीक्यूटेबल होती है, इसमें .sh होती है। तो ये वो पाथ है। अच्छा, इसके बाद ये लास्ट वाला जो पार्ट है इस पर गौर करो, क्या लिखा हुआ है लास्ट वाले पार्ट में, कॉलन और पाथ। ये डॉलर पाथ करके ना आपको कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको इसमें अवेलेबल होता है डॉलर पाथ करके, ठीक है? ये बैश की पूरी एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का ये छोटा सा पार्ट आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इस जगह पे, ये असल में यहाँ पे मैं एको लिखूँगा ना तो स्क्रीन पे प्रिंट होता है एको। ओ, मैं एको लिखूँगा, एको का ये स्मॉल सही है, कैपिटल भी शायद चल जाता हूँ, और मैं कहूँगा डॉलर और पाथ, ठीक है? तो जिस नाम से ये पाथ बना हुआ है ना, इसकी जो भी वैल्यू होगी इसके अगेंस्ट वो मुझे ऐसे करके मिलती है, समझ रहे हो बात? अच्छा, और पाथ को इक्वल करके जब मुझे दो URL देना होता है, मिसाल के तौर पे एक मैंने दिया कि user/bin, ठीक है? जब दूसरा URL देना होता है तो मैं कॉलन डालता हूँ, और कॉलन डाल के मैं एक दूसरा URL देता हूँ। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने का तरीका है। तो अब ऐसे पाथ को करके, जैसे विंडोज़ में होता है ना 3, 4, 5, 6 URL, तो ऐसे मैं कॉलन कॉलन करके जितने मर्जी URL देता चला जाऊँ,
ठीक है, bin/abc ऐसे करके, एक दूसरा url हो गया ये, इसी तरह मैं एक तीसरा url दे दूंगा इसको, ठीक है स्लैश, ठीक है तीन url हो गए। तो ये क्या करेगा, पाथ के अंदर मौजूद जो भी पहले वाला आइटम होगा ना उसको टोटली रिप्लेस करके ये तीन url रख देगा, समझ रहे हो, टोटली रिप्लेस कर देगा। अब मसला ये मुझे रिप्लेस भी नहीं करना, तो रिप्लेस नहीं करने के लिए मैंने ये क्या किया है, लास्ट में मैंने कहा भाई एको एक्सपोर्ट पाथ, उसके बाद ये url दिया, और लास्ट में आ गया ना मैंने, देखो मैंने कॉलन लगा के ना वही पाथ दोबारा रख दिया यहाँ पर, ठीक है, मतलब a इक्वल्स टू a प्लस वन है ये, ठीक है, कि पाथ में जो भी कुछ था उसमें ये कॉन्कैट करा के वापस पाथ में ही रखवा दिया मैंने। अच्छा अब ये काम मैं शुरू में भी तो कर सकता था, मैंने कट किया इसको, आमतौर पर ये शुरू में आपको मिलेगा किया हुआ सब जगहों पर ना, ये काम मैं यहाँ पर भी तो कर सकता था ना कि ऐसे डॉलर पाथ करूँ और फिर कॉलन लगाऊँ, एक ही बात थी, लेकिन इसको शुरू में और आखिर में लगाने का क्या डिफरेंस है, इसका प्रेफरेंस के चक्कर है। अगर मैंने इसको पहले लगा दिया तो पाथ में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो पहले ऐड होगा और मेरा यूआरएल लास्ट में ऐड होगा, उससे होगा क्या कि पाथ में रूबी पहले से एक सेट है तो वही मिलता रहेगा, सही है, आपका जो वाला ये वाला ना ये क्योंकि लास्ट में है तो ये नहीं मिलेगा, तो आपने क्या करना है इसको शुरू में नहीं लगाना, यानी इस स्पेसिफिक केस में, या प्रेसिडेंस कभी भी ऊपर नीचे करनी हो तो यही तरीका है उसका, तो आपने इसको लास्ट में लगाना है, सही है, तो उससे क्या होगा कि आपका यूआरएल टॉप पे ऐड होगा, बाकी का पाथ उसके नीचे हो जाएगा, समझ आई ये वाली बात। तो ये एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो रहा है। अच्छा देखो मेरे पास इसी तरह एक और भी एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट है, गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल, और उसमें मैंने कुछ वैल्यू दी हुई है, ठीक है, अब इसमें दो तीन चार का चक्कर नहीं है तो सिंगल है, कोई इसमें कॉलन नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है, इसी को बाद में मैंने मॉडिफाई करना हो, ओरिजिनल वैल्यू भी रखनी है, साथ में कुछ लगाना है तो ऐसे कॉलन करके मैं दोबारा लगा दूंगा इसको, ठीक है। अगर मुझे इसको इसके साथ ये वाला काम करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैंने इस जो भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसमें कॉलन लगा के एक दूसरा पाथ देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट ऐसे लिखा हुआ ही है, मैं कहूँगा गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल, और अच्छा ये कॉलन लगाने की वो डबल कोटेशन ऑप्शनल होता है, ज़रूरत नहीं होती इसकी, सही है, और मैं साथ में क्या लिखूँगा, मैं कहूँगा डॉलर एप्लीकेशन क्रेडेंशियल कॉलन, और साथ में मैं इसको कुछ और भी दे दूँगा, सही है, बगैर उसके भी दे दूँगा चलेगा, कुछ और दे दूँगा, तो वो जो कुछ इसमें एग्जिस्टिंग है उसी में ये कॉन्कैट हो रहा होगा लास्ट में, सही है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा चक्कर समझा दिया, सही है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और मेरे पास इस वक्त यहाँ पे रूबी का 2.7.6 अवेलेबल है, ठीक है, ये मैंने कैसे किया, RBENV इंस्टॉल और ये वर्जन किया तो ये मुझे मिल गया। अच्छा अगर मुझे नई ऐप बनाते हुए कोई एरर आएगा इस वर्जन का तो मैं उस वर्जन को जो वो बोल रहा होगा ना वो वाला कर दूंगा, सेट हो जाएगा। अच्छा रूबी यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेम्स टू हैंडल इट्स ओन डिपेंडेंसीज। अच्छा रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पूरी, तो रूबी का अपना पैकेज मैनेजर है जेम। अच्छा यू कैन थिंक ऑफ जेम एज पैकेज मैनेजर लाइक npm जैसे होता है, अ फॉर्मूला इन होम ब्रू और अ सिंगल पॉड इन कोकोआ पॉड। अब ये कोकोआ पॉड जो है वो iOS का पैकेज मैनेजर होता है तो उनके लिए दिखाया है, ठीक है, और ये होम ब्रू के अंदर जो एक पैकेज होता है उसको फॉर्मूले कहते हैं, फॉर्मूला, ठीक है, तो वो होम ब्रू, तो तीनों का के बारे में बताया कि भाई तीनों में पैकेज मैनेजर है। इसी तरह जेम रूबी का अपना पैकेज मैनेजर है, रूबी बंडलर इज अ रूबी जेम दैट हेल्प मैनेजिंग द रूबी डिपेंडेंसीज फॉर योर प्रोजेक्ट, वी नीड रूबी टू इंस्टॉल कोकोआ पॉड एंड यूजिंग बंडलर इट विल हेल्प मेक श्योर द डिपेंडेंसीज आर अलाइंड एंड दिस, ठीक है, ये बंडलर एक चीज़ है, आ जाओ देख लेते हैं इसको, ये क्या बोला है बंडलर, नहीं यानी रूबी का ये अपना वो है मसला है रूबी वाला, नहीं जैसे विंडो में सर डीएमई हम लगाते हैं तो उसका मतलब ग्राफिकल इंटरफेस होता है जिसमें हम ज्यादा सेट, ये ज्यादा सही है यार, ये ज्यादा सही है क्योंकि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ना ये नहीं पता चलता पीछे क्या हो रहा है, हमारे पास तो एक फाइल है यार ये चलेगी। अब मिसाल के तौर पर विंडोज में तुम्हें इन्वायरमेंट वेरिएबल की फाइल जब चलती है तो उस वक्त तुम्हें कुछ इंटरनेट पर रिक्वेस्ट लगानी है,
या कुछ तुम्हें कंडीशनल बनाना है, यूआरएल तुम कंडीशनल बनाना चाह रहे हो कि अगर आज डेट 15 तारीख है तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में ये यूआरएल लगा दो, 15 के अलावा कुछ भी है तो ये लगा दो, ये तो नहीं हो सकता विंडोज़ में, तो ये इसमें पॉसिबल है ना। कर विंडोज़ भी यही रहा है पीछे, विंडोज़ में भी ये एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन टर्मिनल से अवेलेबल है, वो यूआई तो सिर्फ रैपर है ना ऊपर, लेकिन यूआई का मसला ये है कि आपको यूआई की आदत हो गई ना, आपको पता ही नहीं है कि पीछे ऐसे होता है। विंडोज़ में सेम यही तरीका है, सिंटैक्स अलग है, काम यही है। तो आप विंडोज़ के अंदर भी आप बैश फाइल बनाते हैं डॉट, पता नहीं बैश बीएटी फाइल होती है, बीएटी फाइल होती है जो पीछे बन रही होती है इसके, तो आप बैश फाइल में जाके हाथ से चेंजेस कर दें, ठीक है, यूआई से आप ना करें तो भी ये काम सारा पॉसिबल हो जाएगा। वेल, तो यूआई में एक हद तक ही चीज़ों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। अच्छा भाई, तो रूबी का बंडलर ना किसी एक पॉइंट पे मेरे पास खुद से इंस्टॉल हो गया था, ये मैंने इंस्टॉल नहीं किया था, सही है, ये खुद से इंस्टॉल हुआ था किसी एक पॉइंट पे, गालबन रूबी के साथ इंस्टॉल हुआ था ये। अच्छा, एक एक्स कोड एडिटर है जो मुझे मैक के ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये मुझे मैक के ऐप स्टोर में ले जाएगा जहाँ पे ये एक्स कोड का एडिटर मौजूद है मेरे पास, ठीक है, एक्स कोड का एडिटर ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। टाइम लगाता है इंस्टॉल होने में क्योंकि इसका साइज़ 10-12 GB तक होता है, ठीक है, 7.8 GB इसका साइज़ है, तो ये इंस्टॉल होने में टाइम लगाता है। अच्छा, इंस्टॉल है, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ये सब कुछ हेलो वर्ल्ड बनाने से पहले करना है, सही है। ओपन करने के बाद ये क्या कह रहे हैं कि आप जाओगे, अच्छा एक्स कोड का वर्जन 10 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पुराना वर्जन आप इंस्टॉल कर भी नहीं सकते इसमें, जिस वक्त आप इंस्टॉल करेंगे उस वक्त का करंट वर्जन ही होता है, पुराना इंस्टॉल करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा, पुराना अगर इंस्टॉल हुआ हुआ तो वो बार बार पॉपअप भी देता रहता है कि भाई अपडेट करो अपडेट करो, ठीक है। वेल, 10 से ही ऊपर होना चाहिए। एक्स कोड का एक अंदर कमांड लाइन टूल होता है, ठीक है, कमांड लाइन टूल होता है, वो ये लिखा हुआ रहा होता है। तो एक्स कोड की मैं प्रेफरेंस में जाऊँगा और जाके ये जगह तलाश करूँगा, ये मैं एक्स कोड मेरे पास खुला हुआ है राइट नाउ, ऊपर यहाँ पे आ रहा है एक्स कोड और सेटिंग, यहाँ से मैं गया और मैं लोकेशंस में गया। लोकेशंस में जाने के बाद ना ये शुरू में नहीं आ रहा होता, ये इंस्टॉल करना पड़ता है, लिखा हुआ होता है इंस्टॉल कमांड लाइन टूल, आप उस पर क्लिक करते हो, दो चार पट्टियाँ चलती हैं, घूमता फिरता है, फिर ये आ जाता है। और इसको एक प्रॉब्लम और भी है, जब पहली दफ़ा इंस्टॉल होता है तो ये इस पर चेक नहीं लगा हुआ होता, इसलिए ये मिल रहा नहीं होता, ठीक है, ये भी आपका टाइम खाएगा अच्छा खासा। तो अगर आप ये सेटिंग कर रहे हैं तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने दोबारा सेटिंग में आना है, इसको खोलना है और इस पर चेक लगाना है क्लिक करके, ठीक है, जब ये सेलेक्ट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट उस पर चेक नहीं लगा हुआ होता, यहाँ पे ऐसा दिख रहा होता है ये, लेकिन चेक नहीं लगा हुआ होता, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो आपका टाइम खाएगा, ठीक है। मैंने एक्स कोड को वापस बंद कर दिया, अगला स्टेप देख लेते हैं। इंस्टॉलिंग एन iOS सिमुलेटर इन एक्स कोड, अब ये एक्स कोड का सिमुलेटर कैसे इंस्टॉल होगा, मैं वापस एक्स कोड में आता हूँ, और एक्स कोड में आने के बाद कैसे बताया इसने यहाँ पर, हाँ कह रहा है प्रेफरेंस में जाओ और कंपोनेंट टैब के अंदर चले जाओ आप, ठीक है, आ जाओ प्रेफरेंस में, पहले आ जाते हैं हम दोबारा, ठीक है, कंपोनेंट टैब कौन सा वाला है इसका, कंपोनेंट तो आ रहा ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मेरे पास सिमुलेटर असल में पहले से इंस्टॉल था तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्स कोड प्रेफरेंस एंड सेलेक्ट कंपोनेंट्स टैब, यहाँ पे कंपोनेंट्स टैब तो दिख रही नहीं है, दोनों करेंगे टेंशन क्यों ले रहे हो। वेल, ये प्रेफरेंस मेरे ख्याल है कहीं और पर है, ढूंढते हैं प्रेफरेंस को। ओके, गॉट इट, इन्होंने ना इसकी जगह चेंज कर दी है, पहले ये जहाँ पे हुआ करता था अब ये वहाँ पे नहीं है, अब ये कहाँ है, एक्स कोड में जाके और डेवलपर टूल्स में जाके और सिमुलेटर्स करके ऐसे मौजूद है, ठीक है। तो ये सिमुलेटर जो भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल था वो ओपन हो गया, 14 प्रो इनका लेटेस्ट फ़ोन है तो वो वाला सिमुलेटर जो है ऑटोमेटिक चल पड़ा है, ठीक है। अगर कोई सिमुलेटर नहीं होगा तो वो इंस्टॉल करेगा पहले, उसको बाकायदा डाउनलोड करता है।
अच्छा ये वाला ऑप्शन जो है ना आपके पास, जब ऐप आप ओपन करते हैं इस पर, अभी हम इंशाल्लाह हेलो वर्ल्ड बना के उसको हम बिल्ड निकालेंगे ना उसकी एक्सकोड से, तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने रन कौन से डिवाइस पे करना है। तो वहाँ पे जब ड्रॉप डाउन खोलते हैं तो जितने आईफोन अभी तक रिलीज हुए सबका नाम आ रहा होता है, और जो इंस्टॉल्ड होता है उस पर चेक होता है कि ये इंस्टॉल हुआ है सिमुलेटर, क्लिक करते हैं तो उस पर खुल जाता है। जो नहीं इंस्टॉल होता क्लिक करने से वो इंस्टॉल करता है पहले उसको, ठीक है। तो ये सिमुलेटर भी डाउनलोड होने में टाइम लगाता है, 3-4 या 5 GB तक का होता है एक सिमुलेटर, ठीक है। तो वो शुरू में ही एक दफ़ा इंस्टॉल करना होता है आपको। अच्छा लेटेस्ट वाला एक हो तो सही है, मतलब लेटेस्ट वाले पे चेक हो जाएगा वो। नहीं नहीं जो मैक अगर हैकिंटॉश होगा तो उसमें मसला होगा, ये मैक अगर होगा तो उसमें मसला नहीं होगा। हाँ तो लोगे भी नहीं कभी, ठीक है, जब ऐसा करियर आओगे तो फिर तो लोगे ना। अच्छा कोकोआ पॉड हमें चाहिए होगा। कोकोआ पॉड क्या चीज़ है? iOS का पैकेज मैनेजर है, सही है, यानी स्विफ्ट का पैकेज मैनेजर है। स्विफ्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ये चल रहा होता है। तो कोकोआ पॉड इंस्टॉल करना होगा। कैसे इंस्टॉल होगा भाई कोकोआ पॉड? आ जाते हैं क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है। सूडो जेम इंस्टॉल कोकोआ पॉड, दैट्स ये जेम इंस्टॉल किया हुआ है आपने, रूबी के साथ साथ इंस्टॉल होता है। तो ये कोकोआ पॉड करूँगा मैं तो ये कोकोआ पॉड इंस्टॉल हो जाएगा मेरे पास, मोस्ट प्रॉब्ली ये पहले से होगा। चला के देखते हैं, ठीक है, पहले से होगा तो ये बता देगा कि भाई पहले से इंस्टॉल है आपके पास, ठीक है। जेम इंस्टॉल अलग से नहीं करना पड़ा है, जेम रूबी के साथ साथ होता है, ठीक है भाई। पार्सिंग डॉक्यूमेंटेशन दिस दिस दिस, इंस्टॉलेशन डन, कोकोआ पॉड आफ्टर 0 सेकंड। 0 सेकंड इसलिए कि पहले से था, ठीक है। और आगे आ जाओ भाई, अगला क्या है स्टेप? अब यहाँ पे ना इस पॉइंट पे ये सेटअप वाला चीज़ कंप्लीट हो गई है। कह रहा है भाई क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन। उससे पहले इसने बुलाया कि भाई अगर रिएक्ट नेटिव CLI अगर -G करके इंस्टॉल किया था ना कभी भी, उसको अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि शुरू में ये -G करके इंस्टॉल होती थी CLI, अब नहीं होती, अब ये होती है NPX करके, ठीक है। तो ये कमांड आपको एहतियातन एक दफ़ा चलानी है कि अगर पहले आपने कभी ज़िंदगी में रिएक्ट नेटिव ट्राई किया हो तो वो अनइंस्टॉल हो जाए पहले वाला कुछ जो भी था। उसके बाद आप आएंगे और NPX इंस्टॉल NPX React Dash Native init और आपके प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन इसमें स्पेस वगैरह अलाउ नहीं है तो आपको बगैर स्पेस के नाम देना होता है, सही है। आ जाते हैं जी, अब यहाँ पे हमें किधर जाके करना है ये काम? आपका जो क्लास का कोड है उसमें करते हैं। बैजेट गिरा। अच्छा ये जो चैट ऐप का हमने कोड लिखा था लास्ट टाइम, वो इसमें लाके मैंने पेस्ट नहीं किया अभी तक ना, वो मैं कर दूंगा। वेल यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ मैं, 6.react.native, सही है। और इस रिएक्ट नेटिव के फोल्डर में जाके मैंने अब क्या करना है, ये वाली कमांड रन करनी है, सही है, cd 6 react native। और इस फोल्डर के अंदर जाके जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो इसके अंदर एक ऑसम प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा जो कि हमारा हेलो वर्ल्ड होगा, ठीक है। अच्छा ये कमांड भी चलने में टाइम लेती है ऑब्वियसली, ठीक है। देखो इस रिएक्ट नेटिव के अंदर एक ऑसम प्रोजेक्ट के नाम का फोल्डर बना है। अच्छा इतने में मैं क्या करता हूँ, वो जो लास्ट हमने ऐप बनाई थी ना ये मर्न चैट ये वाली, इसको भी ज़रा ला के ना इधर पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर की तमाम फाइलों को मैंने किया डिलीट, सही है, और इसके अंदर से तमाम फाइलों को किया सेलेक्ट, सिर्फ गिट को छोड़ के सिर्फ, और यहाँ ला के इसको इस चैट ऐप के अंदर छोड़ दिया, सही है। इसकी कमिट मैं अलग बना दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, ये इसका प्रोसेस चल रहा है, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, यानी ये चीज़ें सारी कर चुका है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है ये। Thank you.
अच्छा, जब तक ये इसमें इंस्टॉल हो रहा है ना, हम ज़रा एंड्रॉयड वाला वर्क फ्लो देख लेते, वो एंड्रॉयड का ये हेलो वर्ल्ड देख लेते हैं कि इसमें क्या चक्कर है। एंड्रॉयड पे अगर मैं आता हूँ, विंडोज़ पे नहीं पहले, अभी अभी आईओएस इस पे, मैक पे देख लो पहले कि क्या है। चीज़ एक्चुअली वही है, बस करने का तरीका डिफरेंट है। नॉट और वॉचमैन इसमें भी चाहिए। अच्छा, इसमें जावा डेवलपमेंट किट चाहिए रूबी की जगह पे, उसमें रूबी चाहिए, इसमें जेडीके चाहिए। अच्छा, जेडीके में क्या कह रहा है कि वी रेकमेंड इंस्टॉलिंग ओपन जेडीके डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड अजुल जुलू, सही है, यूजिंग होम ब्रू। कह रहा है कि भाई जुलू कर लो आप। अच्छा, और जुलू के साथ ना देखो, इसने जुलू 11 लिखा है। जुलू 11 का मतलब है कि जेडीके 11 बाई डिफॉल्ट वो पकड़ेगा। अच्छा, रन द फॉलोइंग कमांड इन टर्मिनल आफ्टर इंस्टॉलिंग होम ब्रू। कह रहे हैं कि भाई आप इंस्टॉल होम ब्रू कर लो, अदरवाइज तो ब्रू मिलेगा ही नहीं ना। अच्छा, ब्रू टैप और ये रिपोजिटरी अटैच कर लो उसके साथ, क्योंकि ब्रू बाय डिफॉल्ट किसी एक जगह से लाता है सारी चीज़ें। तो वो कह रहे हैं कि ब्रू टैप करके ना ये रिपोजिटरी ऐड कर लो जहाँ पे हमारा ये पड़ा हुआ है जुलू, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है जुलू मिले ना उसको बाय डिफॉल्ट। उसके बाद इसने बोला भाई ऐसे इंस्टॉल करो, द जुलू ओपन जेडीके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर्स जेडीके फॉर बोथ इंटेल एंड M1 मैक्स, ठीक है। अब ये विंडोज़ में और मैक में दोनों में ना आर्म और x86 का चक्कर हो गया है अभी, ठीक है, कि कुछ सॉफ्टवेयर आर्म के होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर 86 के होते हैं। तो जो जाहिर है, अगर आर्म मशीन है तो उस पर x86 वाली चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। तो मेरे पास जो मशीन है वो M1 है। जब मैं JDK इंस्टॉल करूँगा तो मेरे लिए ज़रूरी होगा कि मैं M1 वाला इंस्टॉल करूँ, कह रहा है। लेकिन ये खुद से इस चीज़ का ख्याल रखता है, दिस मेक श्योर द बिल्ड फास्टर ऑन M1 एज कम्पेयर टू इंटेल। अबे ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये कह रहा है 11 ही चाहिए। अच्छा, बाई डिफॉल्ट जब एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होता है ना, तो उसमें JDK कौन सा डलवाता है, 19, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है, अनइंस्टॉल करना पड़ता है हमें। कैसे वो अनइंस्टॉल होगा ये भी समझ लो। मैं आऊँगा और आके पहले तो ये चेक करूँगा कि JDK इंस्टॉल कहाँ होता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भाई अनइंस्टॉल JDK, ठीक है, कि मैं अनइंस्टॉल करूँ तो कैसे करूँ मैं। तो ये ओरेकल वालों की प्रोडक्ट है, क्योंकि ये JDK और ये जावा और ये सब ओरेकल का है ना पीछे बिहाइंड द सीन। तो इसने बोला कि भाई आप क्या करोगे, ये तो इंस्टॉलेशन है ना, इसी में लास्ट में अनइंस्टॉल का भी एक इन्होंने वो दिया हुआ होगा। अनइंस्टॉल नहीं दिया हुआ, अनइंस्टॉल मैक मशीन। ये रहा, यहाँ पे आ तो रहा था, पहले मैंने देखा नहीं, ठीक है। अनइंस्टॉल JDK ऑन macOS। कह रहे हैं कि आप इस जगह पे जाओ, library/java/java virtual machines, और कह रहा है कि आप रिमूव कर दो बस इसको, सही है। रिमूव करने से क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, ठीक है। या आप इस तरह करके भी कर सकते हो। अच्छा, मोर ओवर जो आपका जुलू 11 है ना, वो जब इंस्टॉल होता है तो वो इस पाथ पे इंस्टॉल नहीं होता, वो इंस्टॉल होता है एक डिफरेंट पाथ पे, सही है। अच्छा, वो जब इंस्टॉल होता है तो वो गालबन अपना जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो खुद से सेट करता है, बट इंस्टॉलेशन के बाद अगर वो आपको नहीं मिल रहा, अच्छा ये चेक कैसे होगा, ये चेक होगा जावा करके, सही है, ये चेक होगा जावा करके। यहाँ पे मैं लिखूँगा जावा -- वर्जन, ठीक है। तो ये लिखा हुआ जाएगा ओपन JDK 11। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि ये 11 ही है। अगर ये 11 के अलावा कुछ और आ रहा है, यानी जूलो से इंस्टॉल करने के बावजूद, तो आप क्या करेंगे, इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, आपको पहले पता लगाना होगा कि जूलो जो है उसको इंस्टॉल करता किधर है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि जूलो 11 इंस्टॉलेशन पाथ के कहाँ जाके उसको रखता है वो, ठीक है। ये इंस्टॉल जूलो करके ये बता रहा है कि भाई ये मैक पे कैसे इंस्टॉल होगा और विंडो पे कैसे इंस्टॉल होगा। अब मैक वाला बताना कहाँ चला गया, ये रहा मैक, सही है।
अच्छा मैक पे इसने बोला है कि भाई इंस्टॉल यूजिंग डी एम जे इंस्टॉलर, एक तो ब्रूस है उसके अलावा डी एम जे भी है इनका कि डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। अच्छा ये देखो यहाँ पे बता रहा है ये कि जब हम इंस्टॉल करते हैं ना इसको, तो ये है वो पाथ जहाँ पे जाके ये इंस्टॉल होता है, सही है। या ब्रू से इंस्टॉल कर रहे हैं तो ब्रू अपने पैकेजेस एक खास जगह पे जाके इंस्टॉल करता है, तो अगर ये खुद से इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं करता तो आपको इसका भी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा जाके, जब ही ये अवेलेबल होगा। तो ये हमने देख लिया। अच्छा आगे क्या है भाई इसमें अब? हाँ वो एरर अभी देखते हैं क्या है वो। अच्छा तो ये जे डी के उसको 11 ही चाहिए, 12 नहीं चलेगा, 19 जो नया वाला है वो नहीं चलेगा, उसमें एरर देता रहेगा ये। अच्छा इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड स्टूडियो का वो जो पूरा सेटअप है वो आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, और उसमें फिर मेक श्योर आपने क्या करना है जाके इंस्टॉलेशन विजल्ट के दौरान ही मेक श्योर करना है आपने कि ये तीन चीज़ें आपने इंस्टॉल की हुई हों, ठीक है, एंड्रॉयड एस डी के, एंड्रॉयड एस डी के प्लेटफॉर्म और एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, ये तीन चीज़ें आपने इंस्टॉल की हुई हों। अच्छा अब एस डी के में कौन सा एस डी के? अब एस डी के में भी एक इसको एक मसला है कि इसको लेटेस्ट वाला एस डी के नहीं चाहिए, विंडोज़ मशीन में भी यही है, लेटेस्ट वाला एस डी के इसको नहीं चाहिए। इसको क्या चाहिए? इसने बोला कि भाई आप ना जाओ टू बिल्ड रिएक्ट नेटिव ऐप, हाउ एवर रिक्वायर एंड्रॉयड 12s, ठीक है, एस नाम है इस एंड्रॉयड का एस डी के इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली यही एस डी के चाहिए उसको जो एस वाला है। एडिशनली एंड्रॉयड एस डी केज कैन बी इंस्टॉल्ड थ्रू एस डी के मैनेजर इन एंड्रॉयड स्टूडियो। कह रहे हैं कि अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल है या आपने गलत इंस्टॉल कर दिया तो एस डी के मैनेजर में जाओ और जाके उसमें इसको चेंज करो। आ जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लेते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो खोल के ना ज़रा एस डी के मैनेजर पर नज़र मार लेते हैं कि वो कहाँ पर है और वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर तीन डॉट पर क्लिक किया मैंने, एस डी के मैनेजर नज़र आ गया, एस डी के मैनेजर में गया, ये एस डी केज आ गए मेरे पास सारे। अब देखो एंड्रॉयड एस डी के एस पे चेक लगा हुआ है और चेक लगा के इस पर यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है, ठीक है, और जिस पे नहीं लगा हुआ चेक मैं उस पे लगाऊंगा ना चेक ऐसे, तो नेक्स्ट करते ही इसको डाउनलोड करेगा। देखो आइकन बना दिया इसने कि नेक्स्ट करते ही डाउनलोड करेगा इसको। अब ये क्या कह रहा है, ये देखो गौर से क्या कह रहा है, टू डू दैट ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो क्लिक ऑन मोर एक्शन बटन एंड सेलेक्ट द एस डी के मैनेजर, ठीक है, कह रहा है मोर ऑप्शन पे जाओ और एस डी के मैनेजर सेलेक्ट करो। आ जाते हैं मोर ऑप्शन पे, सही है, शो पैकेज डिटेल, ये देख रहे हो इस पे जैसे ही मैंने चेक लगाया तो आप इस पे देख रहे हो क्या आ रहा है, एंड्रॉयड एपीआई लेवल 33, ठीक है, एंड्रॉयड एस कि अब हर एस डी के में क्या क्या वो करना है आपने, क्या क्या चीज़ें करनी है। अच्छा आ जाओ देख लो, अब कह रहे भाई एस डी के प्लेटफॉर्म के टैब में जाओ, विद इन द एस डी के मैनेजर शो पैकेज डिटेल पे क्लिक करो बॉटम राइट, उसके बाद एक्सपेंड करो आप एंड्रॉयड 12 को, और एंड्रॉयड 12 को एक्सपेंड करने के बाद ये दो चीज़ें इंस्टॉल करो या ये तीन चीज़ें, ठीक है, एक तो भाई एंड्रॉयड एस डी के एपीआई लेवल 31 का प्लेटफॉर्म, ठीक है, 12 को आके एक्सपेंड करते हैं। ये देखो मैंने 12 को एक्सपेंड किया, एंड्रॉयड एस डी के एपीआई लेवल 31 ये हो गया। अच्छा सोर्स फॉर एंड्रॉयड दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसको मैं हटा भी सकता हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, इसने बोला कि इंटेल x86 सिस्टम इमेज, ठीक है, ये सिर्फ x86 की मशीन में आएगा, और अगर गूगल API इंटेल x86 इमेज, और अगर एप्पल सिलिकन है या कोई सिलिकन मशीन है तो गूगल API ARM64 सिस्टम इमेज, ठीक है। तो मेरे केस में मैं क्या करूँगा, ARM64 ढूँढूँगा कि यहाँ पे कहाँ है, ठीक है, ARM64 ये रहा, सही है, ARM64 सिस्टम इमेज और गूगल API ARM64 सिस्टम इमेज, ये दोनों मैंने सेलेक्ट किया हुआ और ये दोनों इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो दोनों इंस्टॉल है, दोनों में से बाय द वे एक चाहिए था मुझे, दोनों नहीं चाहिए था, ठीक है, तो मैं एक को हटा भी सकता हूँ, लेकिन चलो खैर हो गई, अभी रहने देते हैं। अगला क्या चाहिए इसको, एग्जैक्टली यही वर्जन करना है, अगर नया वाला वर्जन कर दिया मसला है। अच्छा मेरे पास एक नया वर्जन भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, अगर मैं टॉप पे जाऊँ ना तो देखो API लेवल 33 का SDK है, इस पर चेक हटा दूँ तो रिएक्ट नेटिव को कोई मसला नहीं है, सही चलेगा, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो को ये वाला चाहिए, जो एंड्रॉयड स्टूडियो लेटेस्ट चला रहा है वो इस पर चला रहा होता है, ठीक है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल हुआ आएगा, जब आप SDK प्लेटफॉर्म पे चेक लगाएंगे इंस्टॉलेशन विजर्ड में तो वो ये वाला चेक कर रहा होगा, ठीक है, तो इस पर से चेक हटा भी सकते हैं, हटा के मैं नेक्स्ट करूँगा अगर तो उसको अनइंस्टॉल कर देगा, वो कहेगा भाई ये दो चीज़ जो है ना अनइंस्टॉल हो जाएगी और 280 MB का स्पेस आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई ओके, अनइंस्टॉल कर दिया इसने, किसी चीज़ पे चेक लगाऊंगा तो इंस्टॉल भी इसी तरह से करेगा,
दोबारा से मैं जाऊंगा एसडीके मैनेजर में, तो ठीक है मैंने कहा एसडीके प्लेटफॉर्म और शो पैकेज डिटेल, तो ये दोबारा उसी तरह से खुल गया। अब आप देखें 33 पे 33 का कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो इंस्टॉल्ड है वो 12S का एसडीके, सोर्स भी ज़रूरी नहीं था उसको भी हटा दिया मैंने, ARM64 ये दोनों इंस्टॉल हुआ हुआ है। अच्छा जी ये समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि क्या चक्कर है। अब अगली चीज़ देखो, एंड्रॉयड होम सेट करना है आपने, ठीक है एंड्रॉयड होम सेट करने से क्या होगा कि जाहिर है एंड्रॉयड का जो एसडीके इंस्टॉल हुआ हुआ है या जो भी चीज़ें इंस्टॉल हुई हुई हैं वो किसी अलग अलग पाथ में हो सकती है ना, आपने एंड्रॉयड स्टूडियो से किया तो अलग होगी, हो सकता है एसडीके आपने डायरेक्ट डाउनलोड कर लिया हो, एसडीके बाय द वे डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल में बताना होता है। क्या करूँगा मैं एंड्रॉयड होम करके ना ये वाली चीज़ उसको बताऊँगा मैं, ठीक है होम डायरेक्टरी से बता रहा हूँ कि लाइब्रेरी में जाओ, एंड्रॉयड में जाओ, एसडीके में जाओ। अब एंड्रॉयड एसडीके जितना भी हम एसडीके मैनेजर से करते हैं वो यहाँ होता है, अगर आपके केस में कहीं और है तो आप वो वाला एनवायरनमेंट सेट करेंगे, ठीक है फिर उसके बाद आप क्या करेंगे पाथ में जाके इमुलेटर और प्लेटफॉर्म टूल्स इन दोनों का पाथ सेट करेंगे, ठीक है तो ये तीनों चीज़ें मुझे करनी होंगी मेरे केस में, और मुझे मेक श्योर करना होगा कि ये तीनों चीज़ें यहीं पर हैं कि नहीं है, तो मैं एंड्रॉयड होम को मेक श्योर करता हूँ कि ये मौजूद है मेरे पास या नहीं है। होम डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि मैं जब जाऊँगा ना यहाँ पर टर्मिनल पर तो ये जो अलिफ मद्दा है ये होम डायरेक्टरी है, सही है तो मैं ls करूँगा यहाँ पे तो मुझे सारी चीज़ें मिल गई, तो मुझे ls करके कहाँ जाना है लाइब्रेरी पे जाना है, कैपिटल L से लाइब्रेरी, उसके अंदर एंड्रॉयड देखना है मुझे, ठीक है तो cd कैपिटल L से लाइब्रेरी मौजूद है, ठीक है ये रहा मौजूद था यहाँ पे, अंदर चला गया मैं cd एंड्रॉयड के अंदर चला गया और ls करूँगा तो यहाँ पे देखो sdk का फोल्डर है, सही है इसको मैं जाके एक्सप्लोरर से भी देख सकता हूँ, एक्सप्लोरर से जब मैं जाऊँगा तो मेरे पास होम कौन सा होगा ये वाला होम होगा जो भी मेरा यूज़र का नाम लिखा होगा होम के ऊपर, यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ पे लाइब्रेरी होगा कैपिटल L से, ठीक है लाइब्रेरी है हिडन फाइल है ये, उसके बाद लाइब्रेरी के बाद क्या था एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड और ये SDK, SDK में जैसे गया मैं देखो अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद है, ठीक है SDK तक, तो इतना मैंने एंड्रॉयड होम सेट कर देना है। उसके बाद पाथ में क्या किया है एंड्रॉयड होम के बाद स्लैश इमुलेटर किया है, तो एंड्रॉयड होम में एक स्लैश इमुलेटर मौजूद है ये मौजूद है जी, ठीक है अगर आपके केस में ऐसे मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका इमुलेटर या तो इंस्टॉल नहीं है या तो कहीं और इंस्टॉल है, तो या तो इंस्टॉल करें, ठीक है इमुलेटर अभी तक मैंने किया नहीं है इंस्टॉल, अभी करता हूँ मैं, सही है। अच्छा उसके बाद स्लैश प्लेटफॉर्म टूल्स भी इसमें डाला हुआ है, प्लेटफॉर्म टूल्स का फोल्डर मौजूद है इसमें, जी हाँ जी मौजूद है प्लेटफॉर्म टूल्स, ठीक है और इसमें ये सारे प्लेटफॉर्म टूल मौजूद हैं जिसमें ADB सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी ADB का इस्तेमाल भी होगा, सही है जब हम किसी डिवाइस को तार से कनेक्ट करते हैं तो ADB से उसका पता चलता है हमें कि वो कहाँ पे कनेक्टेड है, कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, सही है। अच्छा जी आगे आ जाते हैं अब हम, ये तीनों एक्सपोर्ट आपने करना है और इसका, अच्छा इसका पता कैसे चलेगा, जैसे प्लेटफॉर्म टूल है तो अब प्लेटफॉर्म टूल का सही तरह से सेट हो गया है कि नहीं हो गया, मैं यहाँ पे ADB लिखूँगा ना तो मुझे मिलना चाहिए कुछ ना कुछ, मैं यहाँ पे लिखूँगा ADB एंटर तो ये देखो मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है, मैं लिखूँगा ADB डिवाइसेस तो कनेक्टेड डिवाइसेस जितनी भी हैं उसकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी, अभी कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है एंड्रॉयड की तो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है एंड्रॉयड की डिवाइस जब तार से या इमुलेटर की सूरत में कनेक्टेड होगी तो वो लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करने के बाद आप उसका नाम लिख के देख सकते हैं जो जो उसमें CLI टूल्स मौजूद हैं। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई अनइंस्टॉल करो ग्लोबल और ऐसे करके इनिशिएट कर लो, तो ये मैक के ऊपर विंडोज, मैक के ऊपर iOS और एंड्रॉयड दोनों की ऐप का हमने गो थ्रू कर लिया उसको ऊपर से नीचे तक। अब वापस आके हम देखते हैं कि इसको क्या मसला हो गया। अच्छा वो बंडलर मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ शायद इसकी वजह से ये एरर दे रहा है अभी भी मुझे। इन जेम फाइल कोकोआ पॉड वॉज रिजॉल्व टू 1.1 दिस 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 विच डिपेंड ऑन द कोकोआ पॉड कोर वॉज रिजॉल्व 1.1 दिस रिजॉल्व दिस और रिजॉल्व दिस। अच्छा ये बंडलर जो है ना ये मुझे करना पड़ेगा, पहले इसने शायद मुझे बंडलर का एरर नहीं दिया था लेकिन अब मुझे ये दे रहा है, ठीक है क्विक स्टार्ट में कह रहा जाओ और मैं कोस वाला देखो, तो ये बंडलर जो है ना मैं देख लेता हूँ ज़रा कि कैसे इंस्टॉल होता है। आ जाते हैं वापस हम इसमें iOS वाले में और इंस्टॉलिंग बंडलर जो है ना इसको ज़रा देख लेते हैं कि कैसे होगा।
रूबी बंडलर इज अ रूबी जेम, तो कह रहे हैं कि दिस आर्टिकल में ना ये लिखा हुआ है कि कैसे होता है, आ जाओ इस आर्टिकल को देख लेते हैं फिर हम। बंडल इंस्टॉल, दैट्स इट, बंडलर पर्पस एंड रेशनलाइजेशन, फर्स्ट यू डिक्लेयर द डिपेंडेंसीज इन अ फाइल इन दैट 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 कॉल्ड जेम फाइल, इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, सोर्स एंड जेम जेम जेम, ओके। बंडल इंस्टॉल, बंडल इज अ शॉर्टकट फॉर द बंडल इंस्टॉल, यार ये इंस्टॉल कैसे होगा, मेरे ख्याल है सिर्फ बंडल इंस्टॉल से ही होगा ये, कैन नॉट लोकेट जेम फाइल, इसको जेम फाइल पहले बना के देनी होगी, यार ये क्या हो गया, रूबी बंडलर इज अ गेटिंग स्टार्टेड सोर्स दिस 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 We need Ruby to install CocoaPod using Bundler. We'll make sure that all the dependencies align that works properly. This. Achha. अच्छा मुझे जो समझ आया कि बंडलर का काम ये होता है कि जो डिपेंडेंसीज होती है ना उसका एक खास वर्जन इंस्टॉल करें, तो CocoaPod जो है ना ये 1.11.3 इसको चाहिए काइंड ऑफ, और मेरे पास जो इंस्टॉल हुआ है ना वो थोड़ा शायद आगे वाला वर्जन हुआ है, तो मे बी मैं CocoaPod जो इंस्टॉल किया था मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है जैम इंस्टॉल CocoaPod इसके साथ मैं वर्जन अटैच कर देता हूँ कि मुझे ये वाला वर्जन चाहिए, अच्छा ये वाला वर्जन तो कह रहा है ही नहीं, वन पॉइंट अलेवन पॉइंट थ्री सही तो है, अच्छा
अच्छा सही है ना यार, बहुत सिंपल तो था ये। कह रहे हैं कि बंडलर इज़ अ रूबी जेम, तो मैंने रूबी इंस्टॉल बंडलर किया तो इंस्टॉल हो गया वो, इट वॉज दैट सिंपल। इसने यहाँ पे बताया हुआ था कि बंडलर इज़ अ रूबी जेम है, और ये इसने इसलिए बोला था क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट बनने के दौरान ना इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी वाले सेक्शन में इसने क्या किया हुआ था कि जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उसको रूबी के थ्रू इंस्टॉल कर रहा था, तो वो बजाय रूबी के थ्रू इंस्टॉल करने के ना वो बंडलर के थ्रू इंस्टॉल कर रहा था ताकि डिपेंडेंसीज अलाइन होकर इंस्टॉल हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब ये तमाम फाइलों को हम डिलीट मार के उसको दोबारा से इनिशिएट करते हैं ताकि ये वाला एरर हमारे पास ना आए। ठीक है, मैंने उसको उड़ा दिया जो मेरे पास बनी थी अभी प्रोजेक्ट की फ़ाइल, और अब मैं इसको क्या करने लगा हूँ, दोबारा से एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करने लगा हूँ। ठीक है, दोबारा से मैंने नया प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिया। अच्छा, मेरा VS कोड जो है ना वो शायद कुछ गड़बड़ हो गई है इसके अंदर, रीलोड विंडो करता हूँ मैं पहले तो VS कोड में। अच्छा, अगला काम मैं क्या करने लगा हूँ कि बजाय इसको ना मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल में ओपन करने के, मैं इसको ना बिल्ट इन टर्मिनल जो है मैक का उसमें ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि VS कोड ना मुझे शक हो रहा था कि वो स्टक हो गया, और जिसकी वजह से ये कमांड में भी शायद वो कोई गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, अच्छा इस बार मैं sudo लगा रहा हूँ, npx से पहले ना sudo लगा रहा हूँ ताकि किसी चीज़ को अगर परमिशन चाहिए हो, राइट परमिशन, तो वो प्रॉब्लम ना हो, वो उसको मिलता रहे। ठीक है, sudo करके चलाने से पासवर्ड मांगता है, वो मैंने एंटर कर दिया, और अब ये प्रोसेस दोबारा से शुरू हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी वाले पार्ट में ये पहुँच चुका है। ठीक है, इंस्टॉलिंग बंडलर, इंस्टॉलिंग बंडलर पे ये एरर दे देता है यार, ये क्या बकवास है। अच्छा, जेम एक्सटेंशन बिल्ड एरर इसने लिखा है, इसको हम कोशिश करते हैं रिजॉल्व हो जाए अगर ये
अदरवाइज हम एंड्रॉयड वाले पे हम आगे बढ़ेंगे, इसके चक्कर में हम स्टक नहीं होंगे। एरर अकर्ड वाइल इंस्टॉलिंग एफ एफ आई 1.15.5 एंड बंडलर कैन नॉट कंटिन्यू। ये कोई पैकेज इंस्टॉल करते हुए इसमें एरर आया है, तो इसका कोई हल इसने यहाँ पे बताया हुआ है या नहीं। लुक्स लाइक आईओएस एनवायरनमेंट नॉट प्रॉपरली सेट। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, लुक्स लाइक आईओएस एनवायरनमेंट इज नॉट प्रॉपरली सेट, इसका मतलब है कि जो ये ऐप बन गई है ना, ये आईओएस पे काम नहीं करेगी, सही है। और ये इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी के पॉइंट टाइम पे ये काम हुआ है, तो मैं इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी ना बाद में भी कर सकता हूँ, यानी अपनी ऐप बनने के बाद भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब ज़रा आके ना हम इस ऐप का जो ऊपर से नीचे तक का स्ट्रक्चर है उसको ज़रा देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो एक टी एस कॉन्फिग की फाइल है, जो टाइप स्क्रिप्ट रिलेटेड फाइल है। पैकेज डॉट जेसन आपको पता है, जो भी पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं वो इसमें आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो हम ज़रा इसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं और फिर हम वो जेम की जो पैकेजेस थे ना वो दोबारा इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा वो मसला सेट हो जाए। ये सारे वो पैकेजेस हैं जो इसमें पहले से लगे हुए आते हैं। अच्छा, थोड़े ही ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको एक जेम फाइल नज़र आएगी। जेम फाइल क्या चीज़ होती है कि जैसे पैकेज डॉट जेसन है, नॉट जेएस के पैकेजेस हैं, इसी तरह इसमें रूबी के जितने पैकेजेस मौजूद हैं ना वो इस तरह करके मुझे मिल रहा है, सही है। अच्छा, पैकेज डॉट जेसन की फाइल से मुझे तमाम पैकेजेस इंस्टॉल करने हो तो मैं क्या कमांड लिखता हूँ, npm install, वो ख़ुद से देख के कर देता है। इससे करने के लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे करना होता है cd करके जाऊँगा पहले तो मैं इस फोल्डर में 6 और cd करके मैं जाऊँगा ऑसम प्रोजेक्ट टैब। टैब से कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा, cd6 डॉट टैब एंटर। अच्छा, एंटर नहीं किया था मैंने, cd aw टैब एंटर। सो ये ऑसम प्रोजेक्ट के अंदर आ गया मैं, और अब मैंने क्या करना है, bundle बंडलर था या बंडल था, सिर्फ डम 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 बंडलर था, बंडलर इंस्टॉल। तो ये क्या करेगा, उस रूबी की फाइल में से उठा के ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करेगा, और ये इंस्टॉलेशन में एरर आ रहा है, सही है। अब ये इस बंडलर में ना जेम फाइल विल रिमेन इंस्टॉल्ड। अब ये जेम फाइल तो यहाँ पे रहेगी, सही है, जेम फाइल यहाँ पे मौजूद है। अब कोकोआ पॉड इसको चाहिए 11 से लेके 11.3 के दरमियान, सही है, ये वाला चक्कर है। अच्छा, कोकोआ पॉड को मैंने अलग से इंस्टॉल कर दिया था जेम से, वो यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है ऑटोमेटिकली, सही है। तो मे भी मैंने अलग से जो जेम इंस्टॉल कर दिया था ये वाला, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा जेम अनइंस्टॉल कोकोआ पॉड, ठीक है, सूडो भी लगाना पड़ेगा इसके साथ मुझे। कोकोआ पॉड इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, कैसे मैंने किया था यार कोकोआ पॉड इंस्टॉल, cocoapod.org, हाँ जेम से ही तो किया था मैंने इंस्टॉल। अच्छा, एस है, कोकोआ पॉड में एस है, वो मैं बगैर एस के लिख रहा था, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा अनइंस्टॉल, ठीक है, यस, चल भाई। ये क्या हो गया, रिमूविंग पॉड, रिमूविंग सैंडबॉक्स, ये अनइंस्टॉल हो गया। तो मे भी शायद मैंने अलग से इंस्टॉल कर दिया था हाथ से, इस वजह से ये प्रॉब्लम आया। और अब मैं बंडलर को दोबारा चलाता हूँ, होपफुली अब ये एरर वो वाला नहीं देगा, दे रहा है भाई ये। बंडलर बंडल है, बंडल लिख देते हैं, चलो एक ही है, दोनों है। गूगल करते हैं इस एरर को क्या है, बंडलर इंस्टॉल नॉट सक्सेसफुली FFI, किसी ने सवाल भी पूछा हुआ है, कह रहा है कि ट्राई टू इंस्टॉल न्यू रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट अंडर एनी फोल्डर, इट डजंट कंटेन एनी स्पेस। ओके, गॉट इट। अननोन डिपेंडेंसीज और इंटरनेट बट ऑफ वर्क में, लोग अलग अलग ये बता रहे हैं कि इस तरह करके ना आप ये FFI को अलग से इंस्टॉल कर लो आप।
ठीक है, लोगों ने ऐसे अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। एक तरीका इसमें से हम ट्राई करके देखते हैं, बंडल अपडेट FFI, बंडल हैजंट बीन इंस्टॉल्ड येट, बंडल अच्छा मैंने बंडल की जगह बंडलर कर दिया था शायद, मे बी इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आई हो। बंडल किया था मैंने, बंडलर किया था यार, इन्होंने भी तो बंडलर ही लिखा हुआ है। अरे नहीं यार, इन्होंने बंडल लिखा हुआ है, सही है। प्रॉब्लम वहीं पर आई है कि मैंने जेम इंस्टॉल बंडल कर दिया है। सूडो जेम अन इंस्टॉल बंडलर, क्लीनअप लगता है, नहीं आ गया, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड आ गया, सही था, यही वाला था। अच्छा और मुझे क्या करना था, आर के बगैर वाला बंडल करना था, जेम बंडल इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। अच्छा ये अनइंस्टॉल किया हुआ है ना मैंने, इसको इंस्टॉल करता हूँ। अब इसने ये इंस्टॉल कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, बी यू एन डी बंडल इंस्टॉल। एरर अभी भी लेकिन वही है, FFI 1.5.5 बंडल कैन नॉट कंटिन्यू, मेक श्योर जेम इंस्टॉल FFI सोर्स एंड दिस। अच्छा ये कह रहा है कि इसका सोर्स डिफरेंट है ना, gems.org है, तो एक काम करते हैं इसको अलग से चला देते हैं, फाइनली हो जाए इंस्टॉल। तो वाइल एग्जीक्यूटिंग जेम एरर, अच्छा एक्सेस का एरर आ गया, ठीक है, तो ये मुझे sudo करके चलाना होगा। ओके गॉट इट, इसका मतलब बंडल इंस्टॉल भी मुझे sudo करके चलाना होगा, बंडल इंस्टॉल तो बगैर sudo के तो नहीं होगा। हाँ वो सब sudo करके चलती हैं शायद, नहीं नहीं रूबी की सिर्फ इसमें होगी, ये रूबी iOS के से, हाँ ये हो गया ना यार, फ़ौरन हो गया ये। अच्छा तो इसका मतलब है कि मैं जो गलत कर रहा था पॉइंट, वो sudo बंडल इंस्टॉल करना था मैंने, ये तो तब ये सीधा सीधा होगा। वो असल में FFI को, अबे यार ये तो फिर एरर दे रहा है, ये वाला कर देते हैं, सही है, अलग से ही करना पड़ रहा है इसको और sudo करके करना पड़ रहा है, तो ये सही हो जा रहा है। वेल तो इसका मतलब है इंस्टॉलेशन के जो भी मसले थे ये मेरे हल हो गए इस पॉइंट पे। अच्छा अब इसको मैंने दोनों डिवाइसेस पे चलाना है, कौन कौन सी दोनों डिवाइसेस, एक एंड्रॉयड की डिवाइस और एक iOS की डिवाइस, इन दोनों पे मैंने इसको चलाना है। अच्छा एंड्रॉयड की डिवाइस पे इमुलेटर अभी तक हमने करके नहीं देखा ना कहाँ से होता है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे देखो वर्चुअल डिवाइस मैनेजर लिखा हुआ है, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे जाके मैं क्रिएट डिवाइस का बटन दबाऊंगा, और क्रिएट डिवाइस का बटन दबा के ना इन्होंने देखो बताया हुआ है कि कौन सी डिवाइस चाहिए, ये भी इन्होंने बात बताई हुई है ना। आ जाते हैं एंड्रॉयड पे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डिवाइस का वो नाम भी बताया हुआ है कि भाई वर्चुअल डिवाइस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये रहा API लेवल 31 की आपको डिवाइस चाहिए होगी, सही है। तो आ जाते हैं हम API लेवल 31 की ना, एक डिवाइस मेरे पास बनी हुई है पहले से, तो इस डिवाइस को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इस डिवाइस को मैंने डिलीट कर दिया, और अब मैं क्रिएट डिवाइस का बटन दबाऊंगा, उसके बाद मैं आऊँगा फोन, और फोन में आके ना कोई भी स्क्रीन का साइज सेलेक्ट कर लूँगा, पिक्सल 2 सेलेक्ट हुआ है बाई डिफॉल्ट, कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, इट डजेंट मैटर। मैं नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा, ये पूछेगा कि आपको इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, ठीक है, तो API लेवल S जो है ना 31 मुझे ये वाला चाहिए, और ARM का वाला चाहिए मुझे, ठीक है, ARM वाला मुझे चाहिए, यहाँ पे x86 वाला नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, ARM वाला चाहिए। यार ये S एक 31 आ रहा है, ये भी 31, इसमें डाउनलोड क्यों लिखा हुआ है। अच्छा वेल तो ये सारे मौजूद हैं, कोई भी एक आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके आगे लिखा हुआ है ना डाउनलोड, इसका मतलब है इसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, ये एक मेरे पास डाउनलोडेड है पहले से, सिर्फ S जो है और API लेवल 31 ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके और बस नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा। ये मुझसे कुछ और मजीद डिटेल पूछ रहा है, जैसे कि ओरिएंटेशन क्या होगी डिवाइस की, स्क्रीन का साइज वाइज अगर मुझे चेंज करना है, इसको मुझे चेंज नहीं करना, बस फिनिश का बटन दबाऊंगा मैं, दैट्स इट, ठीक है। API लेवल 31 की एक डिवाइस मेरे पास ये बन के आ गई, प्ले का बटन दबाऊंगा ये डिवाइस रन हो जाएगी, इतना तो खैर ये किया होगा आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम।
हाँ यहाँ इसके पॉइंट के बाद ना सिस्टम क्या होता है, घबरा जाता है। पहली दफ़ा ये डिवाइस ऑन होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी, सेकंड टाइम ये बहुत निस्बतन ईजली उसके चल जाती है। यार ये क्या हो गया, API लेवल 31 ये वाला कौन सा कर दिया मैंने यार, ये मैंने कौन सा कर दिया। ये सब पे सेम ही दिखता है लगभग। नहीं नहीं ये तो इतना कोई वाहियात किस्म का ये कैसे आ गया। नहीं API लेवल 31 तो एंड्रॉयड 12 है ना, एंड्रॉयड 12 में ऐसी UI थोड़ी है, ये ऐसी UI है। सर वो रेजोल्यूशन और उसके हिसाब से DPI के हिसाब से भी। अच्छा पिक्सल 2, चलो पिक्सल 5 कर देते हैं हम, आ जाते हैं इसको, हम इसको बंद करते हैं डिवाइस को और इसको एडिट करके हम पिक्सल 5 कर देते हैं। और बोलो पिक्सल 2 है ना, ये चेंज किया इसको मैंने, मैंने कहा पिक्सल 5 सही है, सही है पिक्सल 5 कर दिया मैंने। ओके और फिनिश, और अब प्ले करूँगा तो वो नया वाला चलेगा। हाँ ये सही कह रहा है, मैंने फ़ोन असल में पुराना सेलेक्ट कर दिया था। नहीं यार ये क्या बताओ सर, सर वर्जन चेक कर लें इसकी सेटिंग में। हाँ हाँ सेटिंग में जाके वर्जन, अरे ऊपर से तो ये सही खुल रहा है ना, ये तो सही है 12 है ये। हाँ ये तो 12 है, 12 ऐसा ही होता है। डिवाइस नेम आ ये रहा एंड्रॉयड 12 है, वेल सही है। चलो वो कुछ सोच समझ के ही उसने किया होगा हरकत, जो ये दिखाया है ना इसने इतना बड़ा कोई वाहियात किस्म का सर्च बॉक्स, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मैंने ये देखा भी फर्स्ट टाइम है, ये पहले नहीं आता था। है आता है। अच्छा अब इसको चलाने का तरीका ज़रा देख लेते हैं। सेटिंग अप एनवायरनमेंट तो हो गया, अब क्योंकि ये मैं एंड्रॉयड वाले सेक्शन में खड़े हुए तो यहाँ पर ये एंड्रॉयड पे कैसे रन होगा वो बता रहा है। तो मैंने कहा npx क्रिएट रिएक्ट नेटिव स्टार्ट, कॉपी किया इसको मैंने और कॉपी करके यहाँ पे लाके ये कमांड मैंने चला दी। कहाँ पे लाके, cd 6 और cd ऑसम प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आके मैंने ये रन की कमांड चला दी। रन की कमांड चलाते ही क्या होगा, मेट्रो बंडलर जो है ना ये चल पड़ेगा। सही है, मेट्रो बंडलर जो है ये चलने से कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको स्क्रीन पे, ऐप चल के नहीं दिखेगी। जैसे ही आप चलाएंगे तो आपके पास दो तीन ऑप्शन आ जाएंगे, ए का बटन प्रेस करने से ये एंड्रॉयड पे चल पड़ेगा। तो हमें काम करते हैं इसको, ए का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। ए का बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो इसमें क्या लिखा हुआ आ गया, ओपनिंग द ऐप ऑन एंड्रॉयड। अब ज़रा देखते हैं ऐप एंड्रॉयड पर ओपन हो भी रही है या नहीं हो रही, ठीक है, होगी थोड़ी देर में होगी। इसने कहा भाई स्टार्टिंग द ग्रेडल डीमन, ठीक है, ग्रेडल कोई चीज़ होती है जिसको ये स्टार्ट कर रहा है अभी। हाँ वो असल में कनेक्शन इसका जो है ना इंटरनली वो ग्रेडल के ज़रिए बना हुआ होता है, ठीक है। तो अच्छा ये वाली जो कमांड है ये जब आप पहली दफ़ा चलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, सही है। आप इसको एंड्रॉयड पे जब ओपन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली यहाँ से ये बोलता है चल गया और डिवाइस पे कुछ भी नज़र नहीं आता, सही है। ये होता है, इसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने ना ये सिमुलेटर खोलने के बाद ADB डिवाइसेस करके ऐसे एंटर करना है। तो यहाँ पे देखो एक डिवाइस नज़र आ रही है, इमुलेटर 5554, ये डिवाइस है जो कि अटैच है। अब ये डिवाइस नज़र आ रही होगी लेकिन इस पर चलेगा नहीं है। इसका हल ये है कि आपने यहाँ पर जाना है और ये जो नहीं वो इसका पोर्ट को ना वो करना है, पोर्ट को अटैच करना है, बताना है उसको कि भाई ये कौन सा पोर्ट है। नहीं नहीं कुछ केसेस में डायरेक्ट नहीं खुलेगा वो, कुछ केसेस में वो मस्ती करेगा। ट्रबल शूटिंग में था ये, पता नहीं कहाँ था ये रहा। करके देखते हैं वो भी। यहाँ पे ना एक मंजन दिया हुआ था इन्होंने कि भाई पोर्ट उसको बतानी पड़ती है ना कि ऐसे करके पोर्ट है। यार वो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे फिलहाल मुझे अभी।
नहीं मैंने तो किया हुआ, मेरे पास तो चल ही जाएगा वो मैंने तो कर दिया है। एक मिनट में विंडोज़ वाले पे करके देखता हूँ, पता नहीं शायद इस पर ना बताया हो इन्होंने, विंडोज़ पे बताया हो। अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है मेरे केस में, और ये API लेवल 33 पे पता नहीं क्यों चला रहा है इसको यार, ये मैंने क्या मिस्टेक कर दी है जो 33 पे गया है, ये API लेवल 33 पे ले गया बिला वजह। अच्छा ये जैसे कि कह रहा है ना मेट्रो अलग से चला दें और एंड्रॉयड वो रन एंड्रॉयड अलग से कर दें, वो करके देख लेते हैं। सही है, NPM रन एंड्रॉयड, वो कमांड तो अंदर सेम ही है बाय द वे, देखो ये भी सेम चीज़ कर रहा है, डेमन स्टार्ट किया इसने, कन्फिगरिंग कर रहा है, उसके बाद कंपाइलेशन करेगा, पता नहीं क्या करेगा, काम ये भी वही कर रहा है। ADB करके वो डिवाइस दिखनी चाहिए वहाँ पे, समटाइम अनऑथेंटिकेटेड दिख रही होती है तो एक पॉपअप आता है, उसको अलाउ करना पड़ता है फ़ोन में। सही है, USB डिबगिंग डेवलपर ऑप्शन से जाके इनेबल करना पड़ता है, वो आता है फिजिकल डिवाइस में, अबाउट में जाओगे, बिल्ड नंबर पे जाओगे, उस पर 11 दफ़ा टैप करोगे तो डिवेलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, डिवेलपर ऑप्शन में जाओगे USB डिबगिंग इनेबल करोगे, फिर ये यहाँ पे शो करेगा ADB डिवाइसेस में USB पे लगाने पे। ठीक है, अनऑथेंटिकेटेड आएगा अगर तो डिवाइस में एक पॉपअप आता है, उसको अलाउ करोगे तो फिर ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पहली दफ़ा चलने में अच्छा खासा टाइम लेता है, और ये टाइम लेने के बाद सब सीक्वेंट जो आप चेंजेस करते हो वो डायरेक्ट आपको सिमुलेटर में दिख रहा होता है उसका रिजल्ट, और वो निस्बतन फास्ट होता है। ठीक है, इतने में हम आ जाते हैं कि यार ये iOS पे जो ये चल रहा होगा वो रन कैसे होगा, iOS पे भी चला देते हैं। सेटिंग एनवायरनमेंट में गया मैं, और मैंने कहा कि macOS और iOS। अब ये ठीक है, इसमें जो है ना वो NPX React Native और Run iOS करके होगा, और बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है इसको चलाने का, चला के देखते हैं फिर हम इसको, एक नया टर्मिनल खोल के मैं इस पर Run iOS को चला देता हूँ, स्प्लिट टर्मिनल ZSH, और मैंने कहा भाई Run iOS। ठीक है, Run iOS में एक्चुअली ये करेगा क्या, Xcode का जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको बिल्ट इन सिमुलेटर पे चला देगा, बिल्ड फेल बता दिया इसने भाई दादा। Xcode build command was exited with error 65 to debug logs this. अच्छा इसके ऊपर चलाने का एक बेहतर तरीका ये है, वो बेहतर तरीका क्या है कि मैं iOS के फोल्डर में जाऊंगा। सही है, ये iOS का फोल्डर है, iOS के फोल्डर में जाने के बाद में इसको स्प्लिट करता हूँ, स्प्लिट किया मैंने ZSH, और मैं करूँगा CD iOS, iOS के फोल्डर में चला गया, iOS के फोल्डर में एक पॉड फाइल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा पॉड इंस्टॉल, तो ये तमाम डिपेंडेंसीज क्या हो जाएंगी, इंस्टॉल हो जाएंगी। अच्छा पॉड की स्पेलिंग POD इंस्टॉल है, अरे भाई क्या हो गया इसको, पॉड में S तो नहीं है, नहीं नहीं वो चलो मैं कर देता हूँ ब्रू इंस्टॉल, कोकोआ पॉड्स। ठीक है, कोकोआ पॉड्स करके जो होता है वो पॉड फाइल उससे रन होती है।
लेकिन आएगा तो इंस्टॉलेशन में ही छोड़ देगा भाई जाओ ये इसी बात पे पैसे भरेंगे। हाँ ये पैसे बढ़ाने वाली चीज़ है, काम भी कर रहे हैं। सही है, वो कोकोआ पॉड इंस्टॉल कर दिया मैंने। अब कोकोआ पॉड इंस्टॉल होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा पॉड इंस्टॉल और बस पॉड इंस्टॉल लिखूँगा, तो ये इस पॉड फाइल के अंदर जो जो चीज़ें हैं ना उसको ये खुद ही इंस्टॉल कर देगा। लेकिन इस बार इसने क्या किया, अनडिफाइंड एरर ज़ीरो। क्या कर दिया मैंने इसके बारे पॉड इंस्टॉल को साथ में ज़रा फाइल देके देख लेता हूँ मैं, पॉड फाइल। रुक जाओ सबर करो। अबे यार भाई मैं ब्रू से इसको अनइंस्टॉल करके ब्रू से अनइंस्टॉल करके इसको मैं जेम से इंस्टॉल कर रहा हूँ जो उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया हमें। यार क्या बकवास है। सही है, पॉड लिखता हूँ, पॉड मिल रहा है। हाँ पॉड मिलना शुरू हो गया, इंस्टॉल एंटर। अब अबे कर दिया। ब्रू से जो मैंने कोकोआ पॉड किया था वो अलग था क्या, जो ऑफिशियल से अलग किया अलग किया, ये क्या चक्कर है यार। वेल चलो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे कोकोआ पॉड इंस्टॉल करना बताया था वैसे कर लिया अभी। अच्छा ये मेरे पास ना जो एंड्रॉयड वाला था ये रन हो गया। एंड्रॉयड वाला रन मेरे पास किस तरह से हुआ है भला, कि ये इसके कहने पर मैंने एंड्रॉयड रन चलाया था जिसकी ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही हो रहा होता। तो ये मैं बीच वाले टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको रोक रहा हूँ और इसको क्या कमांड चलाई मैंने, npx react native start ये कमांड चलाई थी ना मैंने। इसको चलाने से मेट्रो चला था और मेट्रो पे मैंने क्या किया था, ए बटन प्रेस किया था। तो ए का बटन प्रेस करते ही क्या हुआ, वो सारा जो भी इसका मंजन था वो सब चला, ठीक है, बंडलिंग वंडलिंग हुई और उसके बाद ये ऐप मेरे पास यहाँ पे आ गई, इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद जहाँ पे ऐप में जब मुझे नज़र आ जाएगी एंड्रॉयड के एमुलेटर पे, तो यहाँ जाके मैं कोई भी टेक्स्ट चेंज करूँगा जब, तो वो रियल टाइम में मुझे दिख जाएगा। सही है, आ जाओ कोई टेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं मौजूद है, ठीक है। जैसे ये एडिट लिखा हुआ है तो मैं एडिट के आगे लिख देता हूँ ए बी सी, सही है, और सेव करूँगा इसको। और सेव करके जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये देखो ए बी सी मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये रियल टाइम में अपडेट हो रहा होता है। अगर मैं इसको साइड बाई साइड खोलने की कोशिश करूँ, इसको अगर मैं ऐसे खोल लूँ साइड बाई साइड, अगर मैं इस ए बी सी को यहाँ चेंज करके जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा वहाँ पे अपडेट हो जाता है। सही है, तो अब मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी यूआई तैयार करनी है और यहाँ पे पूरी की पूरी यूआई तैयार करके वो साथ साथ मुझे दिखती भी रहेगी यहाँ पे कि क्या हो रहा है। और अभी ये कोकोआ पॉड पता नहीं क्या हो गया, उसको आज की ज़िंदगी में इंस्टॉल हो जाए बस। JSX हम इसको कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, लेकिन फिर इसको इम्पोर्ट भी JSX करके करना होगा। अब वो आज करना था मैंने लेकिन आज नहीं कर सकते, अब हम नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह। हाँ करते हैं, कुछ करते हैं, नेक्स्ट क्लास है अभी आपकी। अच्छा सीन्स कुछ ऐसे हैं भाई कि जो आपका 5 को होने वाला था ना वो 5 को अब नहीं होगा, एक तो ना आपका वो 10 को होगा, पता नहीं 12 को होगा, ये अनाउंसमेंट हुई है आपके पास। अच्छा वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि कश्मीर डे 5th को, तो 5th को ये कैंपस बंद होगा, ठीक है, तो छुट्टी के दिन और है भी संडे वो। ठीक है तो भाई ये सीन है। अच्छा ये कुछ डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से, देखो 17 MB की स्पीड से ना चीज़ें डाउनलोड तो हो रही हैं कुछ, तो ये हर्मस एंजन करके कुछ डिपेंडेंसी है जो iOS के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली है, तो वो अभी इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। वंस वो इंस्टॉल हो जाएगी तो अगला काम मैंने क्या करना है, अगला काम मैंने ये करना है कि ये देखो iOS का जो फोल्डर है ना, ये iOS का फोल्डर कहाँ से कहाँ तक, ये ऑसम प्रोजेक्ट दिस 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 एंड दिस,
यहाँ पे आके एक फाइल है मेरे पास दैट इज कॉल्ड एक्स कोड प्रोजेक्ट. ये एक्चुअली फाइल तो नहीं है, ये एक फोल्डर है. ठीक है, तो ये अगर मैं जाऊँगा ना मेरे फोल्डर में, जब जाऊँगा इस iOS को मैंने राइट क्लिक करके रिवील इन फोल्डर का बटन दबाया, तो रिवील इन फोल्डर पे ना देखो क्या दिखाएगा मुझे. ये iOS में गया और ये देखो मुझे ये दिखा रहा है, ऑसम प्रोजेक्ट डॉट एक्स कोड प्रोजेक्ट. डबल क्लिक करूँगा इस पर तो ये प्रोजेक्ट मेरे एक्स कोड के एडिटर पे एज अ iOS प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे मैं प्ले का बटन क्लिक करूँगा तो ये इमुलेटर पे चल जाएगा और होगा वो भी रियल टाइम. कोड लिखता जाऊँगा मैं, वो वहाँ पे रियल टाइम में मुझे डिस्प्ले करता जाएगा वो. ठीक है, तो ये अगर जल्दी से इंस्टॉल हो जाए तो हम इसको फिर चला के देखते हैं. वेल चलो ऐसे ही क्लिक मारते हैं उस पर, देखते हैं क्या होता है. तो ये वाली जो फाइल है इस पर मैंने डबल क्लिक किया. अच्छा, ये यहाँ मेंशन भी हुआ है, जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है ये. अच्छा, कुछ परमिशन मांग रहा है. मैंने कहा ठीक है भाई, ओके ले लो. यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कहीं पे कि ना ऐसे करना है. वेल ये एक्स कोड के प्रोजेक्ट में ओपन तो हो गया है, बट इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एरर आ रहा है. वो एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि डिपेंडेंसी अभी तक इंस्टॉल हो रही है, वो पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुई है डिपेंडेंसी अभी तक. क्या लगाया था? हाँ, कौन सा टिकट आया था? नहीं वो हटेगा नहीं, वो एक बार लग गया तो लगा हुआ, वो हटेगा नहीं. नहीं हटेगा नहीं, वो कैसे हटेगा? मैं सेटिंग में जाता हूँ दोबारा. नो नॉट वर्क. सेटिंग, और सेटिंग से मैं लोकेशन में गया. देखो हटा नहीं ना, ये हटेगा नहीं, मैं जब क्लिक करूँगा तो ये हटेगा नहीं. ये पहली दफ़ा सिर्फ ये इशू है इसके साथ. इस वाले पे रहते हुए नहीं कर सकते आप. यहाँ मतलब एक्स कोड के एडिटर से आप कोई प्रोजेक्ट में एडिटिंग नहीं करोगे. आप प्रोडक्ट प्रोजेक्ट में एडिटिंग वो जावास्क्रिप्ट से ही होगी. बस यहाँ से आपने क्या करना है, प्ले. अच्छा देखो, प्ले के नीचे ना ये छोटा सा एरो है. इस एरो पे मैं क्लिक करूँगा जब, नहीं इस वाले पे नहीं है एक्चुअली इस वाले पे, यहाँ पे कि ऑसम प्रोजेक्ट को चलाना किस पे. ये रहा 14 प्रो है. इसके अलावा देखो यहाँ सारी डिवाइसेस मौजूद हैं. मैं किसी को भी सेलेक्ट करूँगा या सिर्फ 14 प्लस कर देता हूँ अगर मैं, या 14 प्रो मैक्स कर देता हूँ, तो क्या होगा, जब मैं इसको रन करूँगा तो ये 14 प्रो मैक्स को डाउनलोड करेगा. सही है, फिर उसको रन करेगा. ये वाला चक्कर है. ठीक है, और एड एडिशनल सिमुलेटर पर क्लिक करूँगा मैं तो ये तमाम सिमुलेटर यहाँ पर मुझे आ जाएंगे कि जो भी मुझे ऐड करना है ना उसका मैं नाम लिखूँगा, क्रिएट का बटन दबाऊँगा तो वो डाउनलोड करके उसको लेकर आ जाएगा. ठीक है, अब ये आज की ज़िंदगी में ये पूरा इंस्टॉल हो जाए ना. अगर यार ये क्या हो गया, अटक गया मुझे लग रहा है ये. देखो एंड्रॉइड के फ़ोन पे तो चल गया ये. ठीक है, एंड्रॉइड के फ़ोन पे तो कोई मसला नहीं हुआ, वो तो चल चुका है एंड्रॉइड पे ही. बस ये iOS वाले पे ना मसला हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि अभी मेरे पास ना वो नहीं इंस्टॉल हुआ है इसका. हाँ नहीं, अगर मैं iPhone की अगर मैं बात करूँ तो इसको जब मैं तार से कनेक्ट करूँगा ना तो यहाँ इस लिस्ट में ना ये फिज़िकल डिवाइस भी शो हो जाएगा. देखो मैक मेरा फिज़िकल डिवाइस शो हो रहा है. सही है, रीसेंट में ये दोनों सिमुलेटर हैं. नीचे देखो सारे सिमुलेटर हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आईफोन भी शो होने लग जाएगा. तो मैं उस पर क्लिक करूँगा तो इस फ़ोन पे चल जाएगा, सिमुलेटर पे करूँगा तो सिमुलेटर पे चल जाएगा. अच्छा, इसी तरीके से जो एंड्रॉयड वाला जो है उसको भी मैं ऐसे करके चला सकता हूँ. यू नो एंड्रॉयड वाले में भी जो देखो ये एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है ना ये वाला, तो इस एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को भी मैं क्या करूँगा, इसमें भी दो चीज़ें करनी होती हैं. एक तो इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो होती है ग्रेडल.
से ना, ग्रेडल से। अब वो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा वो इंस्टॉल का उसकी कमांड क्या होती है, तो मैं यहाँ से उसको इंस्टॉल करूँगा और यहाँ से इंस्टॉल करके ना उसके बाद ये जो पूरा प्रोजेक्ट है मेरे पास, ये दिस इज़ अ एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, इसको मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन कर लूँगा। एंड्रॉयड स्टूडियो में जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो वो सेम फिर एक्सकोड की तरह ही चल रहा होगा। वेल अभी हम इसको कोशिश करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करने की, रिवील इन फाइंडर। अब तो हो जाएगा क्योंकि उसने खुद ही कर लिया होगा वो, ठीक है। ये पूरा जो फोल्डर है ना मेरा, इसको मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो में खोलना है, तो मैं ऐसे कैसे खोलूँगा, ये मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो, ये है ना मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो, तो मैं कहूँगा कि यार ओपन प्रोजेक्ट, और ओपन प्रोजेक्ट में जाने के बाद इस प्रोजेक्ट को मैं लोकेट कैसे करूँ यहाँ पे। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को मैं लोकेट करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और क्लासेस में जाऊँगा, क्लास और उसके बाद बैज 8 जो आपकी क्लास है, ये ना सही है, बैज 8 में आ गया मैं। बैज 8 के बाद रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेटिव के बाद ऑसम प्रोजेक्ट, उसके बाद एंड्रॉयड, ठीक है। और एंड्रॉयड के बाद बस ये एंड्रॉयड का फोल्डर सेलेक्ट करके ओपन दबा दूंगा, तो ये एज अ एंड्रॉयड प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ ऐसे ओपन करके भी मैं प्ले का बटन दबा सकता हूँ, ठीक है, फिर वो ADB WDB का मसला हल हो जाएगा मेरा। खैर मसला तो हल नहीं होगा, ये भी जो शो करता है ना अंदर डिवाइसेस, वो ADB के ज़रिए करता है, तो ADB वाला इशू अगर है तो वो रहेगा स्टिल, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अपने कुछ मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। देखो ग्रेडल बिल्ड, ग्रेडल इंस्टॉल ये चला रहा है, ये हम कमांड लाइन से भी चला सकते थे, स्टूडियो ने खुद चला दिया ये, ठीक है। एक्स कोड और अदर हैंड पॉड इंस्टॉल खुद से नहीं चलाता, वो हमें ही चलाना पड़ता है। पॉड इंस्टॉल भाई चल रहा है, हर्मस इंजन पे ही ये रुका है आके। हर्मस इंजन काइंड ऑफ कोई बड़ी डिपेंडेंसी है, जब मैंने लास्ट टाइम किया था तो भी इस पर इसने टाइम लगाया था, 10 मिनट के करीब लगाया था इसने, ठीक है, अभी भी लगा रहा है। और डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड, मेरे पास 10-15 MB का इंटरनेट आ रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड ये कम या ज़्यादा टाइम ले सकता है। हाँ तो बस रात को फिर लगा के छोड़ देना। ठीक है, वेल ये कर रहा है, इसको हम मिनिमाइज कर देता हूँ, करता रहेगा खुद ही कुछ ना कुछ अंदर ही, और बस ये आज की ज़िंदगी में कर दे बस ये करके, और उसको हम iOS पे चला के ना फिर हम छुट्टी करते हैं। ये क्या हो गया, नहीं क्या होता है बाकी, दसवीं खत्म होती है, क्या चीज, नहीं होता क्या है फेयरवेल, ये मैं तो ये पूछ रहा हूँ होता क्या है। अच्छा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ फेयरवेल क्या मतलब होता है। अलविदाई पार्टी होगी, अच्छा अब मुझे समझ आया ये क्या होता है। अच्छा Thank you.
अच्छा जी, ये मेरा जो भी इंस्टॉलेशन थी ना पॉड इंस्टॉल, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और कंप्लीट होने के बाद अब क्या करना था, हमें जाना था जो मेरा iOS का फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करके उसको रिवील इन फाइंडर किया मैंने, और यहाँ पे जो ये एक्स कोड प्रोजेक्ट है ना इस पर मैंने डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, एक्स कोड प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया मैंने जैसे ही, तो अब मेरे पास ये एक्स कोड ओपन हुआ है। और एक्स कोड में ना कुछ वार्निंग्स वगैरह आ रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने इन वार्निंग्स को इग्नोर करके ये मेरा देखो इसमें सारे सेक्शंस है ना, जो फोल्डर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये मेरा फोल्डर है, इसमें फाइल्स हैं तमाम। तो इसमें मुझे जाके बिल्ड का बटन दबाना है। ठीक है, पहले बिल्ड होता है फिर रन होता है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं ये, वैसे प्ले से भी हो जाएगा लेकिन यहाँ पे बिल्ड, ये रहा मेरे पास बिल्ड का बटन दबा दिया मैंने। ठीक है, हाँ ये बंद हुआ हुआ था इसलिए इसने दोबारा इसको चलाया है। ठीक है, तो अच्छा बिल्ड फेल्ड बता रहा है ये तो, और प्ले का बटन अगर मैं दबाऊं तो यार वाई बिल्ड फेल्ड यार। एक मिनट, मे बी इसको मैं जो इसने विंडो खोली है ना इसको बंद करके मैं खुद की विंडो खोल लेता हूँ ये वाली। ठीक है, क्या थी वो कमांड, npm start। ठीक है, npm start था ना मेरे पास, और यहाँ पे आके मैंने क्या चलना है, iOS पे चलाने के लिए i का बटन प्रेस करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे i का बटन प्रेस करूँगा तो ये ओपनिंग iOS find Xcode project, और ये डायरेक्ट इसने डिवाइस पे चला दिया इसको। अच्छा Xcode की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन वेल चल जाए ये डायरेक्ट डिवाइस पे। ठीक है, अच्छा ये टर्मिनल से ही इसको बिल्ड कर रहा है, जो मैं प्ले का बटन दबा के यहाँ से करने लगा था वो टर्मिनल से ही कर रहा है ये। चलो देख लेते हैं, यार बस कभी ना कभी तो किया ही है। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है प्रोसेस शुरू में, आगे भी बहुत कुछ है इसमें, ये तो इब्तदा इश्क है। सही है, कुछ कर रहा है अभी भी ये बिल्डिंग Xcode। सही है, प्रोसेसर मेरा बिल्कुल छत से लगा हुआ है, 100% पहुंचा हुआ है। सही है, मतलब 100% का मतलब है कुछ हो रहा है पीछे। ठीक है, तो स्टे काम, कुछ हो रहा है पीछे। एक्सपो पे तो कोई भी चला लेगा, इस पे चला के दिखाओ ना। कर लिया, गुड यार। हाँ भाई, आज की ज़िंदगी में हो जाएगा। अबे हो जा भाई, आज ही हो जा यार, अब तो मैं भी तंग आ गया हूँ इससे। मैं सोच रहा था कि इसको बना के आज क्रड ऑपरेशन भी हम पूरा कर लें, या लॉगिन स्क्रीन विस्क्रीन कुछ बना लें हम। वेल अभी तो हाँ नहीं, वो तो तुम लोगों की बनी हुई है ना, लेकिन जिन लोगों से नहीं बना उनको भी तो बताना है ना कि हेलो वर्ल्ड इनिशिएट होता कैसे। बस देख लो अब ये कितनी देर लगाता है। रन बिल्ड, यहाँ पे से फेल पता नहीं क्यों हो रही है यार, यहाँ पे से तो नहीं होनी चाहिए बिल्ड फेल। बिल्ड फॉर रनिंग टेस्टिंग, ये योगा किट मॉड्यूल मैप इसको नहीं मिल रहा।
ये एरर था इसका। अच्छा यहाँ से जो मैंने इसको रन किया था आई करके जो रन किया था, तो वो अभी कुछ आगे बढ़ा है कुछ, पता नहीं क्या किया इसने आगे बढ़ के। ओके गॉट इट। अभी मुझे एक चीज़ याद आई है, पॉड इंस्टॉल करने के बाद ना बिल्ड भी चलानी होती है टर्मिनल से, उसके बाद वहाँ ओपन करना होता है। सही है, तो इसने ये खुद ही कर दिया, इसने ये खुद ही कर दिया। वेल हो रहा है, अभी भी कुछ हो रहा है पीछे। तो अभी तक का वर्क फ्लो क्या है, मैंने npm स्टार्ट किया और npm स्टार्ट करके उसमें i जहाँ पे था ना वहाँ i क्लिक कर दिया मैंने, पॉड इंस्टॉल चलाया, i क्लिक किया, तो अब ये आगे का काम कर रहा है और ये जो भी चीज़ है वो खुद ही संभाल रहा है। ठीक है, प्रोसेसर अभी भी मेरा 60-70% पर है, तो इसका मतलब है कि पीछे कुछ काम हो रहा है। सही, ये 8 कोर है, ये दिखा रहा है कि कौन सा कोर कितनी प्रोग्रेस है, और ये GPU है, तो GPU को भी कुछ कर रहा है पीछे ये, तो इसका मतलब है कुछ पीछे प्रोसेसिंग अभी चल रही है। ये कमांड लाइन देख के ऐसा लग रहा है स्टक है ये, लेकिन पीछे कुछ हो रहा है, तो हम इसको देखते रहते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। अच्छा यार, हम क्लास के टाइमिंग से थोड़ा ऊपर आ गए, तो जो रुकना चाहता है वो रुके, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। सही है, बस ये हम लास्ट चीज़ करके ना इसको चला के फिर हम निकलते हैं। ठीक है, तो जो जाना चाहता है वो जा सकता है। चलो सही है भैया, जो जा रहे हो अल्लाह हाफिज़ उन लोगों को। अरे भाई ये क्या लाए हो? आपकी यही ट्री रह गई थी, कब से आप इंतजार कर रहा था। अच्छा, इट्स फॉर यू। अच्छा जॉब लग गई तुम्हारी? हाँ जी सर। बढ़िया, अरे क्या बात है। वाह यार, तुम तो पिज़्ज़ा लेकर आए हो। बढ़िया, तुमने खाया? जी सर। तुमने खाया? जी जी सर, मैंने खाया। एक तुम खाओ इसमें से। नहीं सर, हमने खा लिया। चलो अल्लाह हाफिज़।
बिजनेस पारी उतरी हो भाई अच्छा मेरे समझ आ गया मैं क्या मिस्टेक कर रहा था। मैं ये मिस्टेक कर रहा था कि यहाँ पे दो हैं फोल्डर, एक एक्सकोड प्रोजेक्ट है, एक एक्सकोड वर्क स्पेस है। मैंने एक्सकोड वर्क स्पेस सेलेक्ट करना था और अब यहाँ से प्रेस करना था प्ले। हाँ वो बिल्डिंग शुरू हो गई है अभी इसकी, बिल्डिंग इंडेक्सिंग बिल्डिंग दोनों शुरू हो गई है। 400 कंपोनेंट्स हैं इसके। अच्छा हुआ अभी भी फेल ही है भाई, तो भैया हुआ ही अभी भी फेल ही है। चलने का नाम नहीं ले रहा, छोड़ो कल करेंगे इसको।